हाँ देवाच्या खाली लावला ठेवलं ना बाटली उदबत्तीच विसरलं. अदर्स प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. ओके वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो नाइस टू सी यू ऑल हियर. मोस्ट वेलकम फ्रॉम स्निक्रिया फाउंडेशन. आई एम हर्षाली खर्चे. आई एम द फाउंडर ऑफ स्निक्रिया फाउंडेशन, वन ऑफ द डायरेक्टर स्निक. वी आर बेसिकली बेस्ड इन नागपुर. स्निक इज स्पेशल नीड्स इंटीग्रेशन सेंटर. आर मोटो इज टू प्रोवाइड कंडक्टिव एनवायरमेंट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स so as to facilitate their development, education, help them develop their potential to the fullest and enhance their independence, enable them to become a well-adaptive individual in society. For these reasons, we are coming up with few projects like recreational center, community support center, homeschooling, vocational daycare, and finally residential hub. These facility we are planning to have under one roof. Right now our motto is to educate the parent and develop their perspective towards the right kind of interventions and treatments. In this actually always we are calling professional parents for their journey, but aaj mujhe ek thoda alag topic hum yahan leke aaye hai jo I think everybody is interested to know कि ऑनलाइन थेरेपीज के बारे में, दैट इज टेली थेरेपी. जहाँ मुझे एक्चुअली काफ़ी मैसेजेस आए कि ऑनलाइन थेरेपीज कैसे काम करती है, ऑनलाइन कैसे होगा, अगर हम कर पाएंगे कि नहीं. तो हमने कुछ इसके लिए कुछ अलग सोचा और कुछ अलग लेकर आए हैं. हमारे साथ आज हमारे साथ जो पेरेंट्स है वो ऑनलाइन थेरेपीज लेके काफ़ी सक्सेसफुली डेवलपमेंट में अपने बच्चों पे काम कर रहे हैं. सो टुडे वी हैव डिफरेंट टॉपिक, आई मीन ऑल टुगेदर. सो वेर इन वी हैव पेरेंट्स पैनल डिस्कशन हु आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑनलाइन थेरेपीज विच आर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम. बिकॉज इस कोविड टाइम पे हमारे ऊपर एकदम से जैसे ये ऑनलाइन थेरेपी आ गया, हम ऑफलाइन जा रहे थे इतने साल भर, लेकिन अभी एकदम ऑनलाइन कैसे होगा, हमारे बच्चे कर पाएंगे कि नहीं, वो फ्रूटफुल होगा कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते रहते हैं. सो वी आर गोइंग टू मीट सच पेरेंट्स हु हैव डन दिस कंटिन्यूस थेरेपी इन ऑल दिस टाइम एंड हैव सीन वंडरफुल इम्प्रूवमेंट इन देयर चिल्ड्रन. सो वील बिगिन दिस विथ शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी वन. आई विल जस्ट स्टॉप दिस स्क्रीन शेयर. Today we have okay, we will start with Arpana ji. Arpana, you can briefly introduce yourself. Yeah, hi, good morning everyone. I am Arpana. Meri journey start hui thi online virtual session se from the month of August last year, and still it is going on. Mere paas mera bhi ek beta hai 4.5 year ka, aur journey abhi chalu hai. Thank you. ओके थैंक यू. स्वर्णिमा जी आप इंट्रोड्यूस करेंगे, आप ब्रीफली. आप म्यूट पे हैं स्वर्णिमा जी. या हेलो मैम, मैं ऑनलाइन. आवाज आ रही है मैम? हाँ अब आ रही है. आप पीछे जाते हो तो थोड़ा आवाज ये. अच्छा अच्छा हाँ ओके. तो मैं अभी 4 to 5 months से ऑनलाइन दे रही थेरेपी. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि जब वो 3 साल का था, आज वो 11 साल का है. तो 3 साल से ही मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे सबसे बड़ा फर्क यही लगता है कि हम डायरेक्ट अपने बच्चे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो हम ऑफलाइन में नहीं हो पा रहे. हम जाके छोड़ दे रहे थे और हम उसको उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे. बहुत अच्छा ऑनलाइन थेरेपी है. संक्षिप्त में यही कहूँ कि बहुत ही अमेजिंग, बढ़िया. थैंक
थैंक यू सो मच. नाउ आई विल रिक्वेस्ट सुमन जी, आप अपने को ब्रीफली इंट्रोड्यूस. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरा नाम सुमन है और मेरे दो बच्चे हैं. एल्डर वन इज रचित, ही इज 12 एंड ही इज डायग्नोज एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम. एंड आई हैव अ डॉटर ऑल्सो, शी इज 6. See, this online therapy has given us a power to interact and be with whole family. It has connected the whole family. पहले कैसे होता था, थे हम लोग फैमिली हैं, जानते हैं, लेकिन बट विद दिस ऑनलाइन सेशन वी स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर और द बॉन्डिंग बिटवीन माई सन एंड डॉटर इज ट्रिमेंडस. Like apart from what effect, what positives has come on Rachit, it's added cherry on the topping. But the un log ka relationship hai is cheez se bahut acha hua hai, kyunki mujhe bahut like it has never been this good. So I'm really happy with this online session, and if possible I'll continue in future also. About our thing, our family. Okay, so I think we will start with you only. Anybody wants to add up, then you can add up in that. What were the aspects of development you could cover during lockdown in therapies? See, there were various aspects. Basically, to jo mere saath tha ki he was going to the therapy center doing things, but ek wo tha ki there's no connect. ठीक है, घर पे आता था और ही इज ऑन हिज ओन वर्ल्ड काइंड ऑफ. तो खुद से करने से क्या होता है कि फोन दे दो तो सारा दिन बच्चे बैठे ही रहेंगे. ऐसा नहीं कि वो लोग दे विल गिव द फोन, बट सी हमारा मेजर चैलेंज ये था कि हाउ टू कनेक्ट एज अ फैमिली. वी नो कि हमारा बच्चा है, हमें हमेशा साथ में रहना है, बट हाउ टू रियली जेल एंड कम टू दैट लेवल. मेरी सबसे पहले बात हुई थी सर से, तो उन्होंने वही बोला कि डोंट थिंक हिम एज अ 12 ईयर चाइल्ड, थिंक हिम एज अ 2 ईयर किड हु नीड टू अंडरस्टैंड एंड हु नीड टू प्ले. सो दैट प्ले वॉज द मिसिंग इन आवर लाइफ. वी स्टार्टेड प्लेइंग एंड लाइक थिंग्स इवॉल्व अराउंड इट. तो मुझे लगता है कि हमारा जो मेजर एस्पेक्ट था कि भाई प्ले नहीं है, हम लोग खेल डायरेक्टली हम लोग जम्प कर दिए इस पे कि एजुकेशन करेंगे, स्पेशल एजुकेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इट्स ऑल राइट. बट एक जो बच्चे का जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है प्ले, दैट वाज मिसिंग. एंड विद दिस ऑनलाइन थेरेपी विद सौमिल सर, वी लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लाइक इंटरैक्ट एंड और मतलब रचित के साथ कैसे कनेक्ट होना है, उसके साथ कैसे क्या करना है, वो हम लोगों ने सीखा है. ये तो ये हमारा आपके सिबलिंग का भी अच्छा रोल रहा है शायद. बहुत ज्यादा आप यकीन नहीं करोगे. पहले क्या होता था, ये भाई भाई है, हमें सब कुछ, हमने वी प्लान्ड ओनली सेकंड चाइल्ड बिकॉज वी वांटेड अ सपोर्ट सिस्टम फॉर रचित. बट होता क्या था कि रचित एक अलग आइडेंटिटी है और आनवी एक अलग आइडेंटिटी है. उन लोग में कोई ये कनेक्शन नहीं है. ठीक है, तो पहले क्या होता था, हम लोग बाहर कहीं जाते थे, दे वर बोथ स्केर्ड. रचित स्केर्ड था तितली से, क्योंकि वो शी इज स्मॉल एंड शी इज वॉलेटाइल, शी इज वो क्या करेगी रचित को पता नहीं है. और रचित क्या है, बड़ा है, वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, अनप्रिडिक्टिव है, तो आनवी उससे डरती थी. बट लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर, यू वोंट बिलीव, उन लोग का जो दोनों का इंटरेक्शन है इतना अच्छा हो गया अभी कि अब हम लोग बाहर, पहले हम लोग बाहर जाते थे तो कार में रचित आगे बैठता था और मैं पीछे बैठती थी अनवी के साथ, बिकॉज दे बोथ वर स्केर्ड ऑफ ईच अदर. अब अभी ये लोग क्या कहते हैं कि मम्मा आप आगे बैठो, हम मैं भैया के साथ बैठूंगी. सो दे बोथ आर सो कंफर्टेबल विद ईच अदर कि दे बोथ सिट टुगेदर इन द बैक सीट, आराम से अपने से बैठेंगे, अपने से जाएंगे. सेम विद द प्लेइंग, रीडिंग बुक, लाइक बहुत सारी चीजें हैं जो पहले अनवी करना चाहती थी बट शी वॉज स्केर्ड. रचित करना चाहता था बट दे वर स्केयर्ड. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच, एकदम बच्चे की तरह, एकदम छोटे अलग क्लीन स्लेट से स्टार्ट किया एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ट्रस्ट, देयर रिलेशनशिप, एंड इट इज लाइक ब्यूटीफुल नाउ. टचवुड, इट्स ब्यूटीफुल. ऑनलाइन सेशन हेल्प किया उसमें भी नो? बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने जब सेशन ओटी सेशन किया है, इसमें सर ने हमको सबसे पहले वही सिखाया कि खेलते कैसे हैं, विच वॉज मिसिंग. हम लोग जब थेरेपी स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले कह रहे कि भाई
इसको काम डाउन करो, एकेडमिक्स करो, ये करो, वो करो, बट हाउ अ चाइल्ड, हाउ टू लाइक आस्क अ चाइल्ड टू प्ले, दैट वाज कंप्लीटली गॉन. वो था ही नहीं, कभी किसी ने एड्रेस ही नहीं किया. तो हम लोगों ने, सौमिल सर ने पहले वही बोला, जस्ट खेलो उसको, खेल, जब तक तुमको खेलने का आइडिया नहीं आएगा और कुछ चीज में कुछ आइडिया आएगा ही नहीं. एंड यू वोंट बिलीव दैट इज हेल्प. पहले हमने स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड इन ऑगस्ट, समवेयर लाइक 7-8 महीने हुए, ज्यादा भी नहीं हुआ, और हम लोग ने खेलना स्टार्ट किया धीरे धीरे, बलून से, फिर प्ले डॉ से. और सबसे अच्छी बात है कि सौमिल सर का, कि उन्होंने कि ये किया कि भाई एक घर के अंदर एक रूम का कंफाइन नहीं किया, हम लोगों ने बीच पे थेरेपी किया, पार्क में थेरेपी किया, हम लोगों ने बेसमेंट में किया जहाँ पे हम लोग कार क्लीनिंग कर रहे हैं, तो फिर टेरेस पे किया, मतलब जहाँ पे है वहां पे हम लोगों ने थेरेपी किया. एंड वी नो हाउ टू लाइक, वी न्यू कि इस एनवायरमेंट में कैसा बिहेव करना है. अभी हम लोग ऑफलाइन में जाएंगे तो एक रूम है, रूम में क्या करना है, एक वो डायनेमिक नहीं हो पाता है. लेकिन अगर आप बीच पे जाओ तो दैट डायनेमिक चेंजेस ऑल टुगेदर, कि कैसे वहां पे खेलना है, क्या करना है. तो वी गॉट टू लर्न फ्रॉम सर की डिफरेंट डिफरेंट डायनेमिक में, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट पे कैसे खेलना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे इसको, इस चीज को टैप करना है कि ये अपॉर्चुनिटी है भाई, ये अपॉर्चुनिटी को कैसे लेना है. और हम लोग तो जब रचित 1 साल का है तब से हम लोग बीच पे जा रहे हैं, लेकिन इस बार पहली बार हुआ, मैंने सर को बताया भी कि वो गया और उसने मतलब स्विमिंग कर लिया, हम लोगों ने खा वा लिया सब कुछ. He was playing on his own with the waves on the beach. Waves को chase कर रहा है और run कर रहा है, chase कर रहा है, भाग रहा है वो. Which is like, it has never happened. It has never happened कि he is playing like that. Beach मतलब कि पानी में उधर जाओ, पानी में jump करो, नहाओ वहाँ पे और निकलो फिर. That was the only concept we had about the beach. But I saw him playing for the first time with happily. ऐसा नहीं कि भाई कोई फोर्स कर रहा है या कुछ कर रहा है, हैप्पीली ही वाज प्लेइंग, ही वाज चेजिंग द वेव्स. सो आई मीन सो वंडरफुल टू नो दैट, रियली वंडरफुल. हम लोग को जाना था बट वी वर सो स्टक विद दैट सीन कि भाई नहीं रुक जाओ, बच्चे को खेलने दो इसको. हम लोग इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, यू वोंट बिलीव दैट आईज लाइक, हमारी आंखों में आंसू आ गए कि ये वही बच्चा है कि जिसे हम लोग बीच में ले जाते थे और छोड़ देते, मतलब ही हैड नो आइडिया, पानी के सिवा उसके पास कोई आइडिया नहीं था करने के लिए. एंड ही इज हैप्पीली चेजिंग दैट थिंग. लाइक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट ये छोटी छोटी जो स्टेप्स है, छोटी छोटी अचीवमेंट्स है, हम लोग को ऑनलाइन से ही मिला है, ऑनलाइन से ही मिला है. कि अगर शायद ऑफलाइन होता तो हमको ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि हम ये चीजें करें, इतनी वैरायटी ऑफ स्पेसेस में जाएं, वैरायटी ऑफ ये एक्सपीरियंसेस करें. तो आई थिंक इट्स लाइक इट हैज हेल्प्ड अ लॉट. एज अ पेरेंट आई नो मैटर करती है. एज अ पेरेंट हमने एक छोटा सा भी स्टेप लिया तो इट्स अ बिग सेलिब्रेशन फॉर अस. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अगर ये ऑनलाइन मिल रहा है हमें घर बैठे तो वो कितना ज्यादा अच्छा मतलब है ये समझ सकते हो. जैसे आप बैंगलोर में है और थेरेपीज मुंबई से चल रही है, मुंबई से चल रही है. हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा चीज है कि अब एक शहर मतलब सिटी स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है. आप जब जो भी पैन इंडिया पैन वर्ल्ड आपको जो भी बेस्ट लगता है, बेस्ट थेरेपिस्ट है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, वो मिल सकता है. ये नहीं कि भाई बैंगलोर में ही कुछ करो या यहाँ पे ही जाओ. तो ये added advantage है. Next question I would like to ask. Shali ma'am, sorry. Hello. Arpana, yeah. Yeah, actually, I also want to add some 2-3 points in the first. And ma'am, जैसे ma'am ने बोला कि play is a key role, because पहले हमें पता ही नहीं था कि play का importance क्या है. But जब हमने online session में start किया understanding कि play करना अपने बच्चे के साथ, and we have started that. और उसके बाद से इतनी चेंजेस आनी चालू हुई, क्योंकि बच्चा बाद में हमें पता चला कि हाँ बच्चा भी खुद सीखता है, वो जब वो प्ले करता है हमारे से सीखता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सीखता है. जो मैम ने बताया उसके अलावा मेरे बच्चे में जो डेवलपमेंट जो हुआ उसका आई कॉन्टैक्ट, वो देखना चालू किया, उसने उसमें ना एक्सप्रेशन आने चालू किया. जैसे अगर वो कहीं बाहर जा रहा है तो वो अपनी खुशी जाहिर करना चालू किया, वाओ. अगर कुछ गर्म है तो बोलेगा हॉट कोल्ड,
मतलब उसका जो एक्सप्रेशन आने लगा वो हमारे साथ है, तो वो खुशी उसने मतलब जाहिर करना चालू किया. स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, मतलब वो किधर भी जाएगा तो वो इतना इंश्योर करता है कि मम्मा भी रहे पापा रहे. एंड उसको भी ये समझ में आता है कि हम उसको कहीं थेरेपी सेशन के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, हम उसके साथ खेलने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गार्डन जा रहे हैं. तो पूरा बच्चे का माइंड सेट भी एक डेवलपमेंट हो जाता है उसका. तो ओवरऑल जैसे मैंने बोला कि आई कॉन्टैक्ट, एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्लस बाहर का भी जो एनवायरमेंट है, ये गार्डन है, गार्डन में हम कैसे खेल सकते हैं, मतलब सारा कुछ इसमें मैम डेवलपमेंट होती है. यस यस, ट्रू ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही के पास आ रही थी मैं. द टेक अवे फॉर पेरेंट्स फ्रॉम वर्चुअल सेशंस, आपको क्या? मैम सबसे पहले वर्चुअल सेशन का जब नाम आता है तो लोगों को यही लगता है कि अरे कैसे, ऑनलाइन में कैसे होगा, बिकॉज इट्स रियली मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मेरे लिए भी यही था पहले कि अरे ऑनलाइन में तो कैसे होगा, बच्चा तो ऑनलाइन क्लास में ही बैठता नहीं है, स्क्रीन को देखता नहीं है, तो फिर वो कैसे हो, मतलब इट्स सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. बट मेरी जो थेरेपिस्ट थी मेरे बच्चे की, उनका नाम है प्रियंका, प्रियंका अशर मैम, एंड शी इज वेरी गुड. तो मैंने उनको पूछा कि मैम ये कैसे होगा, तो 15 मिनट भी नहीं बैठता है, फिर कैसे हमारा सेशन, क्लास कैसे स्टार्ट होगा. तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्चे का इसमें तो उसको मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप उसके साथ खेलोगे, आपको प्ले करना है और बच्चा और आप इंगेज रहोगे. इट डजंट मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि वो उसको स्क्रीन की तरफ देखना है या मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी उसको फॉलो करना है इस तरीके से. मैंने बोला अच्छा अच्छा, तो प्ले कैसे करना है, अगेन सेकेंड थिंग कि अच्छा ये तो चलो ठीक है, बट विदाउट इंस्ट्रक्शन मैं कैसे 1 घंटे कैसे करूंगी. तो जब पहला सेशन हुआ था तो मैम ने मुझे बोला कि आप जैसे उसके साथ खेलते हो वैसे ही मतलब खेला करो. मैंने बोला ठीक है. देन मेरे माइंड में जो उसको अच्छा लगता है, रिंगा रिंगा या फिर उसको ब्लॉक्स या कुछ भी चीज है, देन आई हैव प्लेड. तो वो कुछ 30 मिनट्स ऐसा हाफ एन आवर मेरे साथ एंगेज रहा, खेला, एंड उसके बाद नहीं किया. तो मैंने मैम को बोला दैट कि अब तो नहीं एंगेज हो रहा, अभी क्या करूं. Then she told to me कि आप एक काम करो, उसके जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट की जो चीजें है जो बच्चे को अच्छा लगता है खेलना, क्योंकि द की रोल हियर इज प्ले. तो प्ले के उसके जो इंटरेस्ट की चीजें है वो आप एक नोट डाउन करो, उसको कितना आप क्रिएटिव इनोवेटिव तरीके से आप उसको इंगेज कर सकते हो. एज अगर कोई थर्ड पर्सन अगर देख रहा है आप लोग दोनों को, तो शुड लुक लाइक दैट बोथ आर ऑन द सेम एज. And that will help in terms of the bonding. So this is a key difference. What I mean to say here, because कहीं भी आप बाहर थेरेपी आप अगर जाते हो फिजिकल जैसे वहाँ पे सेंटर पे, वहाँ पे एक थेरेपिस्ट आपको गाइड, बच्चे को गाइड करती है, बच्चे का मन है या नहीं है, बच्चे को वो रो रहा है नहीं रो रहा है, they are not bothered. एक पर्टिकुलर करना है करना है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. बच्चे का मन सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चा क्या चाहता है सेकेंड थिंग, एंड देन उसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे आप कैसे उसके साथ इंगेज हो सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट वर्चुअल ऑनलाइन सेशंस में दे विल ऑल्सो गाइड यू कि फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे को पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो पानी के साथ कैसे हम प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी उतना नहीं सोच सकती हूँ, बट मुझे वर्चुअल ऑनलाइन सेशन में मुझे गाइडेंस मिलता है. अच्छा पानी में ऐसे टॉयज को डाल दो, बाथिंग फोम को डाल दो, कभी बीच पे ले जाओ, कभी ऐसे ग्लास से करो. You will get different type of ideas जहाँ पे बच्चा play करता है with his specific interest and he is learning also, because बच्चा play करता है तो वो learn कर रहा है. So definitely virtual online sessions it really helpful for the parents, because यहाँ पे parent और बच्चे दोनों engage होकर काम करते हैं, खेलते हैं, play करते हैं, and आपको definitely guidance भी मिलता है after the session कि आपने क्या किया है, इसको कैसे आप और अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग एंजॉयिंग बना सकते हैं. इस तरीके से मैम हेल्प मिलता है वर्चुअल सेशन से. ग्रेट ग्रेट. स्वर्णिमा जी आपको कुछ ऐड करना है या फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकती हूँ, आप बोलना चाहेंगे? मैं दोनों मैम ने काफी कुछ बता दिया जो एक्चुअल है. सुमन बस मैं इसमें से यही ऐड करना चाहूंगी, क्या होता है जब हम ये सब थेरेपी चल रही होती है, आपको आवाज आ रही है मैम?
थोड़ा आप पास लीजिए, थोड़ा सा ये जो माइक पी माउथ पीस है। ओके आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ आ रही है। हेलो हाँ ये हाँ तो मैं बस यही कहूंगी, इसमें इतना ऐड करूंगी कि जैसे जब हम करा रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, जैसे अभी मेरे बेटे का थोड़ा सा कुकिंग का हम लोगों ने लिया है, तो कुछ कुछ वो बनाना शुरू किया है, तो क्या है ना प्ले भी कर रहे हैं जैसा उसका मन होता है, तो उसमें छोटी छोटी चीजें वो अच्छी करता है जो हम कहीं ना कहीं देख नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन जैसे प्रियंका मैम है तो वो हमें बताती है कि देखो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और हम तो उसको देख ही नहीं रहे, कहीं ना कहीं स्किप कर जा रहे हैं कि कितना वो की पॉइंट है जिनको हम मतलब उन्हीं को लेके आगे चलना है। तो वो बहुत अच्छा है, ऑनलाइन सेशन में हम डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं अपने बच्चे से, और मतलब जिंदगी में तो जिंदगी भर तो हमें ही रहना है अपने बच्चे के साथ, तो कैसे हमें करना है, क्योंकि थेरेपिस्ट तो पूरी जिंदगी नहीं रहेंगे ना साथ में, और उसके जो छोटे छोटे की पॉइंट है उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देख ही नहीं पा रहे कि हमारा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, वो तो हमने देखा ही नहीं। तो वो जो वो बताते हैं उस टाइम पे और हमें रियलाइज होता है वाओ ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया इतना बढ़िया, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। जैसे हाउ वर्चुअल सेशंस आपके कैसे स्टार्ट हुए हैं, आपका माइंडसेट कैसे था, बिकॉज आपका जर्नी में थोड़ा लॉन्ग रहा है, तो कैसे आपने स्टार्ट किया है? मैम इससे पहले मैं थेरेपी करा रही थी यहीं दिल्ली में, तो फिर जब कोरोना का हो गया तो उन्होंने भी ऑनलाइन शुरू कर दिया था, तो ऑनलाइन हमने उनके साथ शुरू किया, लेकिन वो बिल्कुल अलग था और ये बिल्कुल अलग है। मतलब इस उसमें हम ट्रेनिंग दे रहे थे बहुत सारी, तो कैसे उसको कपड़े पहनने हैं, कैसे उसको क्या करना है, तो वो स्क्रीन पे ही मैं उसको खड़े होके कराती थी, तो वो फेडअप हो जाता था कहीं ना कहीं, हम लोग भी मतलब थोड़ा सा ये हो रहे थे, लेकिन ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। मतलब जैसा मैम ने बताया अपना मैम कि हम बच्चे के हिसाब से चलते, बच्चे को हमें अपने हिसाब से नहीं चलाना है, तो बहुत अच्छा। और हम इसको ना क्या है कि पूरे दिन हम अप्लाई कर पाते हैं इसको, मतलब बहुत इजी हो गया, हमारी लाइफ भी इजी हो गई है और हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं। और मैंने उसके संग बहुत हार्ड वर्क किया है, अपने बेटे के संग बहुत 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 हार्ड वर्क किया, लेकिन हमको कुछ खास रिजल्ट मिला नहीं। लेकिन अभी जो मैंने ये ऑनलाइन सेशन शुरू किए ना, तो थोड़े से ही वर्क में मुझे अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है। आज वो मैगी बनाता है, उसको पता है कि पूड़ी कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, मतलब पूड़ी का उतना अच्छा तो नहीं अभी कर पा रहा, चल रहा है, लेकिन उसको पता है सब, मखाने को कैसे मेरे को भूंज के खाना है, मैगी तो वो पूरी बना लेता है, कैसे टेबल अपना वो करना है, सिंक में रखना है जा करके, और ये सब ना पहले कहीं ना कहीं थोप रहे थे उसके ऊपर हम कि करो ये करो वो, लेकिन अभी वो इजिली करता है। और एक बार में, और जैसा कि मैंने बताया आई कॉन्टेक्ट में, तो आई कॉन्टेक्ट के लिए तो बिल्कुल इतने अच्छे से कुछ पार्ट बिल्कुल मुड़के देखेगा उसका जो फटाफट मुड़के देखेगा, और इतने अच्छे से कुछ लगता ही नहीं कि एक टाइम वो था कि मतलब ये देखता ही नहीं था, तो ये सब चीजें कैसे चेंज हो गई पता नहीं चला। तो मतलब आपका जो पहले पहले से ज्यादा वैसे माइंडसेट आपका जो था पहले कि हाँ अरे ये ऑनलाइन नहीं काम करता ऐसे लगता है, बहुत फेडर हो गया था। हाँ बेटे अब उसको पैंट पैंट पहनाना सिखा रहे हैं, तो वो आधे घंटे का अगर सेशन है तो आधे घंटे तक वो पैंट और टी शर्ट कितने बार उतारेगा और कितने बार पहनेगा, तो वो भी कराएंगे, हाँ करवाएंगे, ये सब माइंड में होगा ना जो स्टार्ट करने से। हाँ नहीं एक्चुअली मैंने कुछ वेबिनार अटेंड किए थे सर के, तो थोड़ा तो मुझे समझ में आ गया था कि हमें प्ले करना है, और मैं बिल्कुल चेंज हो गई अपने बच्चे के लिए, इतनी स्ट्रिक्ट थी पहले पहले जो थेरेपीज कराई थी उन्होंने, इतना स्ट्रिक्ट मतलब ऐसे करना है वैसे करना है, इतना स्ट्रिक्ट मेरे मतलब कहते नहीं बचपन छीन छीन ले रहते हैं मेरे बेटे का, कहीं ना कहीं उसकी मतलब टेंशन था और वो टेंशन में ही रहता था उसके फेस में, तो मुझे लगता था हो सकता है ऑटिज्म में बच्चे ऐसे ही रहते, मैंने दूसरे बच्चों को भी ऐसे ही देखा, लेकिन अभी वो हैप्पी रहता खुश रहता और हम भी खुश रहते हैं, तो अभी कितना प्यार देना उसको कितना बहुत सारा, और मतलब बहुत बढ़िया है। एक्सरसाइज कैसे करवाते हैं आप, मतलब जो करवाते हैं ना ऑनलाइन, तो हाउ थेरेपिस्ट आपसे कैसे एक्सरसाइज कैसे करवाते हैं वो? एक्सरसाइज हेलो हाँ मैम मेरे से पूछ किस? हाँ आपसे ही पूछ रहे सुन। एक्सरसाइज जैसे बॉल एक्सरसाइज है, तो अगर एक्सरसाइज की बात करें तो
वो अपना इधर जैसे कुछ भी कर रहा है या आया बॉल के पास आ गया, वो खुद ही बैठ गया, वो खुद ही बॉल से एक्सरसाइज करता है अपनी। तो अगर हाँ उसी में मैं आ गई, उसी में मैंने उसको अपना इधर साइड वाइड रॉकिंग कर दिया, फिर थोड़ा देर करा, फिर वो चला गया कुछ और करने लगा। मतलब एक्सरसाइज भी बीच बीच में हो रही है कहीं ना कहीं, उसको पता भी नहीं चल रहा है और वो खुद भी बाउंसिंग कर रहा है, खुद ही कर रहा है। मतलब चीजें हो रही हैं और वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हम एक्सरसाइज, और हमें भी नहीं, मतलब जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि मैं उसको लगातार ये स्टेप किया फिर वो स्टेप किया, नहीं, वो आ रहा है जा रहा है, उसको हम बॉल बॉल के साथ एक्सरसाइज दे रहे हैं या उसके संग खेल रहे, प्ले कर रहे हैं, जैसे नेक मसल्स का बताया, उसके ऊपर मैं उसको किस कर रही हूँ इधर माथे पर, वो उठा रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि एक्सरसाइज हो रही, वो तो सोच रहा है मम्मा किस कर रही है मेरे को। हाँ, तो बार बार अपनी यूं गर्दन ऊपर कर रहा है और एक्सरसाइज चल रही है, तो मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा। सुमन जी या अर्पणा जी, आप ऐड करना चाहेंगे एक्सरसाइज पे? मैं ऐड करना चाहूंगी पेरेंट्स के लिए कि एक्चुअली वर्चुअल सेशन स्टार्ट मतलब कैसे होता है। सबसे पहले सुमित शिंदे सर है, वो बच्चे का हमारे साथ कंसल्टेशन होता है, प्रॉपर ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है, एंड जो भी बिहेवियर टैंट्रम जो भी चीज हम एज अ पेरेंट हमें फील होता है कि हमें शेयर करना है अपने बच्चे के लिए या हम क्या देखना चाहते हैं व्हाटएवर, वो पूरा शेयर होता है, सर पूरा प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, एंड जो थेरेपिस्ट है जैसे प्रियंका मैम, सर और मैं, हम लोग का तीनों का होता है कंसल्टेशन फॉर माय चाइल्ड। उसके बाद एक प्रॉपर एक गोल शीट बनता है मैम कि बच्चे के लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए हमें किन चीजों पे काम करनी है, तो एक प्रॉपर गोल शीट बनता है। इसके अलावा आपको एक पेरेंटिंग प्रोटोकॉल भी मिलता है, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं पहले बहुत, जैसे मैम ने भी बोला कि बहुत स्ट्रिक्ट थी, मैं भी हर चीज में नो 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 ऐसे बहुत बोलती थी, नो 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 ऐसा, बट मुझे आप बिलीव नहीं करोगे कि सर ने मुझे गोल दिया था कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आई वॉन्ट टू सी अ चेंज दैट आप उसको रोकोगे टोकोगे कुछ नहीं। तो आपको एक गोल दिया जाता है, 5 to 6 गोल्स बनते बच्चे के डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए, अलॉन्ग विथ पेरेंटिंग प्रोटोकॉल के लिए गोल्स मिलते हैं कि आप एज अ पेरेंट क्या मतलब चेंजेस ला सकते हैं या क्या आप एज अ प्ले में या क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे को हेल्प हो। एंड फिर अगेन एक क्लिनिकल प्रोटोकॉल मिलता है एज अ थेरेपिस्ट, उनको क्या क्या चीजें वर्चुअल मतलब सेशंस में कवर करना है, एक्सरसाइजेस, मतलब एक नॉर्मल हम टर्मिनोलॉजी में बोले, इट्स अ एक्चुअली सिंक बिटवीन गोल्स, चाइल्ड गोल, पेरेंट्स गोल एंड द थेरेपिस्ट गोल। ओके, तो फिर उसके बाद वो पूरा डिस्कशन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो आपके थेरेपिस्ट आपको बताते हैं, जैसे बॉल में किस तरीके से एक्सरसाइज करानी है आपको, वो आपको वीडियो सेंड कर देंगे। सो आपको पता है कि बॉल में किस, जैसे जंप बाउंसिंग कराना है या पीछे लेटा कर कराना है, किस तरीके से एक्सरसाइजेस कराने हैं, उसके साथ आप कैसे प्ले करा सकते हो। तो ड्यूरिंग द सेशन, और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन कि अगर बच्चे का मन नहीं है तो जबरदस्ती कुछ भी नहीं करानी है, आप स्लोली जाओ, धीरे जाओ चलेगा, बट धीरे धीरे जब वो एंजॉय करने लगेगा वो सारे एक्सरसाइजेस में बॉल में आप, तो फिर मतलब वो लोग भी ऑनलाइन में बोलते हैं कि आप एक बार करके करो ताकि उनको भी समझता है, वो फीडबैक आपको दे पाएंगे कि किस तरीके से और उसको एंगेज कराओ। तो एक्सरसाइजेस भी कवर होती है एंड गाइडेंस भी मिलती है और एक राइट डायरेक्शन में हम लोग काम करते हैं। यस मैम। या सुमन जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी एक्सरसाइज के बारे में? सी दोनों मैम ने बहुत अच्छे से कवर किया है ये चीज। सी व्हाट आई विल सी कि एक्सरसाइज का जो वीडियोस शेयर करते हैं और जो सेशन में इटसेल्फ जो करते हैं और सर देखते हैं कि भाई कहाँ गलत है कहाँ नहीं गलत सही कर रहे हैं, हाउ टू इम्प्रोवाइज, वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि हमको जो टारगेट दिया गया था वो दिन में 3 या 4 बार करवाना है एक्सरसाइज, तो अगर हम एक्सरसाइज जितनी बार करेंगे उतना इम्प्रोवाइज होगा, उतना हेल्पफुल होगा। तो अंडरस्टैंडिंग द राइट टेक्निक फ्रॉम वीडियो और फ्रॉम द ऑनलाइन सेशन इज मस्ट, और वो सीख लिया एक बार तो वो उसको अप्लाई करना बहुत इजी होता है। एक्सरसाइज क्या कोई बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं सूर्य नमस्कार या कोई बहुत बड़ा योगा वाला चीज नहीं है, दिस आर सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस
विच वी कैन गो, जो यूजली बच्चे लोग करते ही हैं, बच्चे लोग करते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे कि अभी एक मैम ने कहा कि बच्चों का बचपन छीन लेते हैं, आई रियली गो विद दिस वर्ड. जैसे ही ऑटिज्म डायग्नोज हुआ, बच्चे को थेरेपी में लगा दो और दे बिकम सो मैकेनाइज, उसका बना दो टाइम शीट, बना दो 5 बजे उठना है, 6 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है. लाइक वॉट आर वी मेकिंग अ रोबोट्स और वॉट. मतलब वो जो बोला उन्होंने कि भाई बच्चों का बचपन छीन लेते, एग्जैक्टली यही होता है. अगर ऑटिज्म से प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हो तो थेरेपी से ज्यादा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है. मुझे पर्सनली ऐसे ही लगता है कि इतना ज्यादा रिग्रेस एंड इतना ज्यादा लाइक स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि भाई ऐसी करना है, दिस इज द वे, जस्ट विदाउट थिंकिंग कि भाई बच्चे का भी एक वे होगा, एक वो होगा, वो नहीं हो पाता है. तो यस, ऑल दिस थिंग्स हेल्प. और जो ऑनलाइन में जो रोक के बताते हैं सर, वो उससे बहुत फर्क पड़ता है. ओके, पीयूष जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं मम्मी जो कह रहे हैं स्वर्णिम? यस मैम, यस मैम. देखिए पहला बेनिफिट वर्चुअल सेशन का मैं दिखाता हूँ कि मैं घर पे था अभी, पार्थ थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहा था तो मुझे ज्वाइन करना था आपका सेशन जी. लेकिन मुझे लगा कि अब एक आदमी को देखना पड़े, तो आई टोल्ड वाइफ कि तुम ज्वाइन करो, मैं इसको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ले जा रहा हूँ, झूला ग्राउंड झूलाता हूँ. अभी यहाँ इसको लाके मैंने छोड़ा और आपका सेशन ज्वाइन किया. देखिए नाउ ही इज सिटिंग इन अ झूला एंड वेरी काम एंड क्वाइट. इज ही विजिबल टू यू मैम? यस यस सर, सो नाइस एंड ग्रेट. नाउ ही इज कूल एंड एंजॉयिंग हियर. So this is the main benefit of virtual session. You know, you can, you are getting more space. घर का पूरा आपको atmosphere मिलता है, घर में बहुत सारे चीजें explore करने मिलता है. You can give more opportunity to your children. And moreover, अगर सही guidance मिल रहा है तो tremendous development will be there in a child. So this is the main benefit. Now I am also enjoying virtual session with you all. Great, great. This is the thing. Yes, yes, yes. आपको कोई परेशानी है, मतलब what challenges did you face during virtual sessions? Virtual sessions से के चलते हुए क्या परेशानियां आई आप लोगों को, मतलब उसमें? Actually जब ये lockdown नहीं हुआ था तो उससे पहले तो ये clinic में ही जाता था, तो वहां पे क्या करते थे, थेरेपिस्ट अंदर ले लिया बच्चे को, आफ्टर 45 मिनट्स वो बाहर आ रहा है. जब हम इंसिस्ट करते थे कि लेट अस सिट इनसाइड कि हम भी कुछ सीखें ताकि उसे सिखा सकें, तो समटाइम्स दे अलाउ समटाइम्स दे डोंट, बिकॉज बोलेंगे कि अगर आप बैठोगे तो वो रेस्टलेस हो जाएगा. तो वो हमें पता नहीं लगता था कि क्या हो रहा है अंदर. और उसके बाद जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो वही जो सेंटर्स थे, वही जो थेरेपिस्ट थे, वो ऑनलाइन सेशन के लिए कहने लगे तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो वी हैव स्टार्टेड द ऑनलाइन सेशन. ऑनलाइन सेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो तरीका था वो वही था क्लिनिकल वाला, और उसमें क्या होता था कि सेशन शुरू हुआ तो हमें वो सेशन में इसको कुछ सिखा देना है, मतलब दैट वॉज द एम एट दैट टाइम. ये 45 मिनट का सेशन है तो आज कुछ तो एक चीज इसके अंदर डाल देना था कि ये सीख जाए. वो दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ टीचिंग. हम लोगों का क्या है कि वर्चुअल सेशन जैसे पार्ट का शुरू होता है तो जिस कंडीशन में होते हैं, जैसा रूटीन चल रहा होता है घर का, उसी रूटीन में हम सेशन कराना शुरू कर देते. सपोज इफ ही इज हंग्री तो उस टाइम इसका खाना बनाना शुरू कर देंगे, या ही वॉन्ट टू गो आउट तो हम कार से ले जाते हैं, कार में ही सेशन हो रहा है. तो ये बेनिफिट है काफी, और अकॉर्डिंग टू हिज नीड हम उसको मूव कराते हैं तो वो भी हैप्पी रहता है, और उसमें उसकी लर्निंग थोड़ा ज्यादा हो जाती है, एक्चुअल लर्निंग, इनर लर्निंग हो जाती है. अर्पणा जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मुझे आपसे स्पेसिफिकली पूछना था कि आपके क्या चैलेंजेस आए आपको वर्चुअल सेशन में, आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा उसमें, या फिर बाकी चैलेंजेस कैसे रहे आपके इसमें? ओके, मतलब चैलेंजेस अगर ऑनलाइन सेशन में यही आता है, कभी कभी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है, एंड देन वी गेट स्टक. बट फिर वही होता है कि जो प्ले है हमारा, प्ले कंटिन्यू रहता है, एंड जो भी है हम कर रहे हैं तो कर, वी डोंट स्टॉप.
अदरवाइज उतने मेजर चैलेंजेस मैम नहीं आए हैं. फैमिली सपोर्ट का जहाँ बात है, डेफिनेटली मैम जैसे मैंने आपको बताया कि गाइडेंस मिलता है कि एज अ फैमिली आपको कैसे काम करना है. तो जैसे मेरे यहाँ मैं हूँ, मेरे बच्चे के बच्चा है, पापा है, दादी है, हम लोग चार लोग हैं. तो हम लोग चारों लोग मिलकर ऐसा मतलब काम करते हैं. एंड ऐसा नहीं कि पूरे टाइम मैं ही रहती हूँ. जैसे दादी है तो दादी भी उसके साथ खेल रही है. फिर मेरे यहाँ अगर काम करने वाली कोई हेल्पर है तो वो भी उसके साथ आती है. तो सबसे पहले बाबू हाय या जाने से हमें बाबू बाय स्पेसिफिक, मतलब उसको भी पता है कि उससे उसको बात करना है. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बच्चा ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास ही आ रहा है, वो सबके पास जाता है. सबके साथ वो ऐसे घुलने मिलने लगा है. मेरी जो हेल्पर है उसके पास भी जाता है, अगर उसको पानी पीना है तो उसके पास भी जाता है, उससे भी उसके साथ भी अटैच्ड है. फिर नीचे अगर जाते हैं तो जो गार्ड है वो भी स्पेसिफिक है, बाय बापू कहाँ गए थे. मतलब सब लोग उसके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करते रहते हैं डे एंड डे आउट. उसको भी पता है कि वो अंकल को मुझे बाय तो करनी है. तो इस तरीके से हर जगह सबका इन्वॉल्वमेंट है मैम. ओके, सुमन जी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? आपके कुछ चैलेंजेस आए, आपने कैसे उसको ओवरकम किया? चैलेंजेस तो एज सच, मतलब जब हम लोग ने स्टार्ट किया फर्स्ट ऑनलाइन सेशन, इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट कि भाई अभी ऑनलाइन करेंगे कैसे. क्योंकि तो फिर जब स्टार्ट किया तो क्या होता था कि सब कुछ खुद ही करना है. तो लाइक थेरेपिस्ट बता रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द एक्सरसाइजेस पॉइंट ऑफ व्यू. जो खेलना है दैट वॉज ठीक है, वो तो दैट इज लाइक डिफरेंट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइजेस. तो एक्सरसाइजेस ऐसा लगता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या कैसे. और मेरा बेटा बड़ा है, ही इज माई सेम हाइट, मेरे सेम हाइट है, 12 इयर्स का है. तो मतलब इतने बड़े बच्चे को कैसे कराएंगे, कैसे कराएंगे. तो लाइक वी वर वेरी एप्रिहेंसिव अबाउट दैट. सो बट वंस वी डेवलप कि भाई हमारा कनेक्शन हो गया, ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग ऑन हिज ओन, तो दैट एप्रिसिएशन इज कम्प्लीटली गॉन. नो चैलेंजेस तो कुछ नहीं आया. फायदा ये हुआ कि एक्सरसाइज कराने में मेरे खुद का वेट लूज हो गया है. तो एडेड पॉइंट आ गया, एक और वर्चुअल पॉइंट है. आई एम नॉट एबल टू से ऐड एनी नेगेटिव्स अबाउट इट. आई एम जस्ट एडिंग द पॉजिटिव्स ओनली. दैट इज द बिग पॉजिटिव फॉर आवर मदर्स. खुद करा रहे, एक्सरसाइज करा रहे हैं और हम उनका तो हो ही रहा है, हमारा भी हो जा रहा है. तो वो भी एक बेनिफिट हो गया. वैसे फर्स्ट पॉजिटिव आउटकम क्या था आपका? आई मीन वंस यू स्टार्टेड विद थेरेपी, फर्स्ट आउटकम आपको क्या लगा? फॉर अस द फर्स्ट वाज लाइक ही शोड सम इंटरेस्ट इन प्ले. और प्ले पहले कैसे होता था कि प्ले भी है, सब कुछ मतलब टॉयज से घर भरा पड़ा है, लेकिन वो एग्जैक्टली उसको यूज कैसे करना है, उससे खेलना कैसे है, वो नहीं पता था. तो विथ हिम इट केम कि ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द टॉयज और टॉयज और दूसरी चीजों से भी, मतलब जो टॉयज नहीं भी है उससे भी खेलने लगा. और लाइक बॉन्डिंग विद द फैमिली मेंबर्स, सब बहन के साथ, मेरे साथ, पापा, क्योंकि हम सब मिलके जब भी पॉसिबल हो सभी लोग मिलके ही ये करते हैं, एक्सरसाइज. इट्स नॉट एक्सरसाइज, हमारा इवनिंग का फन सेशन है ये हमारे घर में. मेरी छोटी बेटी बोलती मम्मा लेट्स हैव फन विद भैया, that's the name she has given. okay, so fun session में हम exercises करते हैं, सब कुछ whatever we have to do in that we do all these exercises, वो सब करते हैं. और उसके बाद में see what we saw is like he started playing with the remote car, remote को कैसे चलाना. पहले तो remote car लेना मतलब उसको खाली ऊपर से नीचे फेंकना है और वो कैसे टूट के अंदर क्या निकलता है वो देखना है. it's like कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नहीं. बट ही स्टार्टेड फर्स्ट प्लेइंग विद द रिमोट, उसको आगे चला रहा है, पीछे चला रहा है और साइड में ले जा रहा है. तो दैट कनेक्शन बिटवीन रिमोट एंड कार, वो कनेक्शन होना कि भाई ये इससे चल सकता है, इससे हम लोग आगे घुमा सकते हैं. सो दैट वॉज द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइक पॉजिटिव. एंड देन मुझे लगा कि नहीं, ही इज नॉट old for play, he is like he's a small child only, he has a very, he's a heart of a mind of a small baby. This that is not a big boy ki bhai khelne ke liye bada ho gaya hai, nothing like that, he's still as like that.
So that was the thing. And then we never looked back. He, now he plays with anything and everything, and relationship and play and thing, cooking, opening, sab kuch. It's going on with the full speed. How did therapy process happen? I mean, thoda sa Arpana ji ne bataya. Kaisa laga wo therapy process? Kaise hua? How did that happen? Whole therapy process. Process. So it started with Sir Sumit Sindhi sir se assessment, and then seat setting up the target and goals, and giving goals, personal goals to us. So it start, and then we were assigned Somil sir. He's a very good therapist. I'll say, like, he has. ऐसे कहते हैं ना कि अगर मैं कहूँ कि he has a big bank of ideas of play and उन्होंने हमको एक वो कार्ड दे दिया है all time swipe card. अंदर जाओ जितना भी निकालना है निकालो, यूज करो, इट्स अनलिमिटेड यूज वाला चीज हो गया है. सो कुछ भी कोई भी चीज अभी कभी ऐसा नहीं होता था कि ही इज आउट ऑफ आइडियाज. अरे भाई बॉल खेल रहे हैं चाहे कार साफ कर रहे हैं उसमें भी उनको हजार आइडियाज है. मुझे कभी कभी सोचती हूँ ये आदमी को आइडियाज आते कहाँ से. मैम ऐसे मत करो, अरे मम्मा ये भी कर सकते वो भी कर सकते ऐसे भी कर सकते. तो मतलब वो जो आज अगर सेशन हुआ है तो वो जो जितने आइडियाज देते हैं उसको यूज करने के लिए हमको दो तीन दिन लगते हैं. तो ये प्रोटोकॉल्स था. एंड एंड देन वी लाइक हमारा जो रिव्यू होता है हर महीने, टारगेट जो होते हैं वो टारगेट अचीव करने हैं, अगर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसमें और ऐड करते हैं. फिर मिड रिव्यू भी होता है बीच में कि भाई टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं कि कुछ डेविएशन हो रहा है. तो अगर डेविएशन हो रहा है एंड वी आर फेसिंग एनी चैलेंजेस कि भाई उसे जंप करने के लिए नहीं आ रहा, रचित को डोंट नो हाउ टू जंप और ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट प्लैंक नहीं करना आ रहा, तो हाउ टू ब्रेक इट डाउन, हाउ टू ब्रिंग इट वन स्टेप बैक एंड देन डू इट. तो वो मिड रिव्यू में वो सब भी मुझे जानने के लिए मिला. ही वॉज नॉट एबल टू डू ब्लाइंड फोल्ड. तो शी सजेस्टेड, मैम सजेस्टेड कि ब्लाइंड फोल्ड डायरेक्टली करने से अच्छा है कि एक लिक रूम को अंधेरा करो और उसमें रहो, तो एक आईज विल गेट यूज टू दैट अंधेरा थिंग एंड he will be able to do. तो हम लोग अभी blindfold भी कर सकते हैं. So that breaking down of targets जो होता है and yes. then achieving it and reviewing करना. अभी हमारा 6 months हुआ है and we have already reviewed for the second third time. So तो सोचो इतने short time में हम लोगों ने इतना सब achieve किया है and we are going very fast. मैं बोलूँ तो अगर क्योंकि it is happening with the kids environment, बच्चे के environments में, family में. और इट इज नॉट जस्ट कि एक घंटे का सेशन है और वही सिर्फ है. एक घंटे का सेशन तो हाईलाइट है, खाली वो ट्रेलर है. वो पूरा एक घंटे में जो हो रहा है वो पूरे दिन में होना है. वो ट्रेलर जो दिखाते हैं वही ट्रेलर दिखा दिया, अब भाई ये करते रहो. और वो एक दिन भी कम पड़ जाता है हमारे लिए करने के लिए, इतने सारे आइडियाज हो जाते हैं. तो दिस इज द प्रोटोकॉल अबाउट द प्रोटोकॉल. I'll come to Swarnima ji. What were your concerns with your child, like in terms of development, behavior, and learning? And what changes you seen in your child with respect to these development, behavior, and learning? I'm just telling you that Hello. Ha ha. हाँ, जैसे सुमित सर ने जो पेरेंट्स और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग का उन्होंने जो आइडिया दिया था बताते हैं जो, वो सबसे बढ़िया. क्योंकि पहले कहीं ना कहीं था कि बच्चा तो मेरी तरफ आ रहा था, बच्चा मेरी तरफ आ रहा था, अब मुझे ऐसा लगता, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जा रही थी क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट थी बहुत ज्यादा, और तो कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग बन नहीं पा रही थी. लेकिन अभी क्या है कि मैं भी बच्चे की तरफ जाने लगी हूँ, बहुत ज्यादा हमारे बीच में प्यार, बहुत ज्यादा हमारे बीच में प्ले, तो हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है. अभी वो मैं किचन में हूँ तो वो आएगा थोड़ी देर में मेरे पास आएगा, मेरे को मतलब हक करेगा या मम्मी क्या बना रही है, क्या कर रही है. तो बिहेवियर अपने आप ही कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं, मतलब नॉर्मल जो हमें लगता था कि अरे, तो वो सब चीजें. और दूसरा, किस चीज को हमको अवॉइड करना है, जैसे कुछ स्टीरियोटाइप बिहेवियर हैं जिनको लेके हम बहुत टेंशन में आ जाते थे,
अभी क्या है कि उनको मुझे अवॉइड करना है और वो अपने आप ही धीरे धीरे कम हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जो अपने आप ही जा रहा, जिसको लेके ही मैं टेंशन में रहती थी कि अरे ऐसे कैसे, ये कब होगा, किधर होगा, तो वो सब, तो बिहेवियर तो अपने आप, बिहेवियर कुछ मतलब नहीं रह गया बिहेवियर का, और बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है हम हमारे माँ बेटे के बीच में, बहन है उसकी सिस्टर है उसके बीच में और पापा के बीच में, मतलब हमारा नजरिया ही बिल्कुल चेंज हो गया है जिसे कहते हैं, तो अब सब चीजें बहुत नॉर्मल लगने लगी हैं। तो सबसे बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटी यही है कि हमारा बच्चा, हम उसको अलग तरीके, जैसे हम अपनी बेटी को देख रहे हैं ना, वैसे ही उसी नजर से उसे देखें, हर समय उसको ट्रेन करना, हर समय उसको कि नहीं अरे ये गलत कर दिया, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत हो गया, तो वो सब खत्म हो गया, सब नॉर्मल है और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो सबसे बढ़िया तो बॉन्डिंग और हमारे बीच का आपस में जो जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया, तो वो सारा कुछ पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग में भी काफी आपको हेल्प हुआ है, बिकॉज खुद ही काम कर रहे हैं उसके साथ, इसलिए यही तो फायदा है ऑनलाइन सेशन में, यही मेन फायदा है जी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्पणा जी आप प्लीज ऐड करें। यस यस, मैं अपने बच्चे के बारे में बताना चाहूंगी, मतलब क्या क्या उसको इश्यूज थे बिफोर कंसल्टिंग और गोइंग थ्रू द वर्चुअल ऑनलाइन सेशंस। मतलब वो उसमें बहुत बहुत ज्यादा टेंट्रम था उसका, स्टबर्न था, उसको करनी नहीं थी, और वो मतलब नाम नेम कॉल भी था, अगर मान लो 10 है तो वो 2 ही बार देखता था, मतलब उसको ऐसा लगता था कि हम बोल रहे हैं तो वो देख ही नहीं रहा, वो अपने में ही खेलता रहता था। वो मॉर्निंग में उठता था, टॉयज को पूरा ऐसे जमीन पे रख दिया, उसी में ही रहता था, वो आई कांटेक्ट हमें भी नहीं देखता था, इमोशनल कनेक्ट बॉन्डिंग नहीं था, और मोबाइल के लिए उसको बहुत जिद था, मतलब ऐसी किसी भी चीज के लिए नहीं बोलता था, मोबाइल के लिए बराबर आके बोलता था गिव मोबाइल बेबी, अपने को बेबी बोलता है तो गिव मोबाइल बेबी, अगर नहीं दिया तो वो हेड बैंगिंग भी करता था, बाइटिंग भी करता था, मतलब बहुत गुस्सा करता था, तो फिर एट लास्ट हम लोग दे देते थे पहले कि चलो ठीक है, और वहां पे वो स्टॉप नहीं होता था, वो 1 घंटे का 2 घंटा 3 घंटा कब हो गया पता नहीं चलता था, फिर अगर मैंने देखा कि मोबाइल पे ही है, वो अपने में ही खेलता रहता था, कनेक्ट नहीं था हमारे साथ, हमारे पास नहीं आता था, टॉयज मोबाइल यही 2 चीज में रहता था, और बिहेवियर इश्यूज बहुत था, बैठने की भी उसकी इच्छा नहीं होती थी, मतलब उसको लगता था मुझे क्यों बैठा रहेगा, क्योंकि उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस था पहले की, क्योंकि मैं वही करती थी, वो बैठता था तो फ्लैश कार्ड दिखाया, व्हाट इज दिस, ये एक्टिविटी करो वो एक्टिविटी करो बिफोर वर्चुअल सेशन, तो उसके उसका क्या माइंडसेट था कि मुझे चेयर पे बिठाया है तो मुझसे कुछ करवाएगी, तो उसको मतलब बैठना नहीं था, वो वहां पे भी टेंट्रम शो करता था, रोता था बहुत, बहुत सारे इश्यूज थे इस अकॉर्डिंगली इन दिस लाइन। तो जब असेसमेंट हुआ मेरे बच्चे का एंड जब सर ने गोल्स बनाया एंड जैसे मैंने बताया कि उन्होंने मुझे भी बोला कि आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है और क्या क्या चीजें मतलब नहीं करनी है, जैसे नो नहीं बोलना, उसको टोकना नहीं है ज्यादा, एंड वो जब आपके पास आता है तो आप उसको उतना ही प्यार दो। और मैंने सर का पहले वेबिनार भी अटेंड किया था बिहेवियर्स का, कम्युनिकेशन का, तो उन्होंने सर ने भी जैसे बताया कि कभी भी जब बिहेवियर होता है या टैंट्रम होता है, दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द चाइल्ड फॉर डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड। ओके, तो वो चीजें का भी काफी नॉलेज मिला। अगर एज अ आफ्टर द वर्चुअल सेशन मेरे में क्या चेंजेस आया, आई एम टोटली चेंज नाउ। चेंज द फर्स्ट थिंग इज वॉट, मैं एज अ फ्लैश कार्ड या जबरदस्ती उसको चेयर पे नहीं बैठाती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्ले, मतलब उसके साथ पीकअबू खेलना, पर्दे के पीछे जाना, और ये स्लोली स्लोली हुआ है, ये ऐसा 1 डे या 1 मंथ में नहीं हुआ है, स्लोली स्लोली इट इज हैपन। जितना ज्यादा उसके इंटरेस्ट एरिया में जाके, जैसे प्ले है मतलब फॉर द बाथिंग 25 मिनट्स हम लोग रखते हैं उसके, टॉयज बाथिंग फोम वहां पे हम लोग ऐसा खेलते हैं, या फिर जैसे उसको क्ले है या कुछ भी चीज का एक्टिविटी जिसमें उसको पसंद है, या फिर चने ले लिया, राजमा ले लिया, एक बॉटल से दूसरे बॉटल में डालना, व्हाटएवर, मतलब जो भी प्ले उसको पसंद है
वो बैठता है, उसके बाद उसने सबसे बड़ा चेंजेस देखा कि वो खुद से बैठने लगा, जैसे देखता था कि मम्मा ऐसे चने का डब्बा ला रही, खुद से जाके चेयर पे बैठ जाता था। मतलब उसमें वो इच्छा शक्ति डेवलप हो गई, इंटेंट डेवलप हो गया कि मुझे चेयर पे बैठना, अभी मुझे मम्मी खेल खिलाएगी। सो दिस वॉज अ चेंज, द माइंड सेट चेंज हुआ बच्चे के भी मन में। सेकेंड थिंग है, वो देखना चालू किया, आप पास में आना चालू किया, सबके साथ कनेक्ट होना चालू किया। एंड अभी जैसे वो मॉर्निंग में उठता है तो ये नहीं बोलते कि मोबाइल, वो उठेगा तो मेरे को पकड़ेगा, बोलेगा पीकाबू, मतलब मेरे साथ खेलो। तो जैसे जैसे उसका मोबाइल स्क्रीन टाइम कम होते गया और धीरे धीरे वो खेलने में मतलब इंक्लूड होते गया, उसका बिहेवियर टैंटम्स में वो भी चीज कम होना चालू हो गया। तो अभी ना जो पहले था और अभी था, नाउ ही इज अ हैप्पी चाइल्ड, वो खेलता है, एक्सप्रेस करता है जो भी चीजें हैं। एज अ पेरेंट जैसे मैंने बोला, जो मैंने फॉलो किया, मैं ऐसा जो भी चीज है जो प्ले का है, प्ले मेथड में जो भी प्ले करके खेल कर उसको समझाना, या जो भी इमोशनल बॉन्डिंग जो डेवलप हुआ है, एंड हर चीज में रोकना नहीं, और जब उसको जब तक कंप्लीट करता है उसको हर चीज में अप्रिशिएट करना, वो भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट। अरे वाओ, अरे क्या, अरे वाओ कितना अच्छा किया, उसने जो भी ड्राइंग किया सबको पूरा से फैमिली मेंबर्स को दिखाना और अप्रिशिएट करना। सो एक चीज जो मैंने फील किया है कि हमारे बच्चे सब चीज सुनते हैं, समझते हैं, एक सुमन जी से पूछना चाहूंगी कि आपका बच्चा बड़ा है एज में, लेकिन फिर भी आपका मतलब उसका डेवलपमेंट हो सकता है ऑनलाइन या थेरेपी से? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। व्हेन वी स्टार्टेड, हम लोग जब स्टार्ट किया था हमने, तो रचित वॉज गोइंग टू अ स्कूल, ओपन काइंड ऑफ स्कूल, वहां पे वो लोग कोई ये नहीं करते, क्या स्केड्यूल फॉलो नहीं करते, इट्स लाइक टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। जो रेस्ट ऑफ द थेरेपी सेंटर्स होते हैं उस तरह से नहीं, रिग्रेस नहीं है। तो व्हेन वी ही वॉज डायग्नोस्ड एट द एज ऑफ 2.5 years, उसका बहुत ज्यादा टैंट्रम था, जिद्दीनेस और ऑल टिपिकल बिहेवियर्स ऑफ ऑटिज्म। और फिर जब हम लोगों ने 2-3 साल थेरेपी भी करने लगे तो उससे और ज्यादा एग्रीवेट हुआ, काटना मारना पीटना ये सब हो गया। फिर लास्ट 3 years भी वेंट टू वन मोर स्कूल विच इज लाइक ओपन, वहां पे कोई स्केड्यूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे अपने पेज में जा रहे हैं। लेकिन वहां पे भी एक नेगेटिव ये हुआ कि ही बिकम ओवरकम, मतलब ओवरकम हो गया, और मतलब ओवर शांत हो गया, कोई डिजायर्स नहीं, लाइक जेन काइंड ऑफ जो होता है ना कि भाई दुनिया से ऊपर उठ गया, मुझे अब किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, बहुत ज्यादा शांत, इट डिस इंटरेस्ट इन एनीथिंग, खाने को है तो ठीक है, नहीं है तो हमारा वो था कि अभी भाई ये बच्चा अभी बड़ा ही है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन वाई ही सो इनएक्टिव, वाई सो लाइक कुछ अराउजल क्यों नहीं है, कुछ एकदम इंटरेस्ट क्यों नहीं है, तो वो हमारा कंसर्न था। वो उस कंसर्न के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हमने देखा कि भाई उसने दिखाया इंटरेस्ट कि भाई मेरे को खेलना है, मेरे को घूमने जाना है, मेरे को, लेकिन हम लोगों ने सुना नहीं वो चीज। हम लोगों ने क्या किया, भाई जा थेरेपी कर, तू बैठ, ये कर वो कर, एंड देन ही शट हिमसेल्फ डाउन कंप्लीटली। और फिर जब धीरे 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 हम लोगों ने स्टार्ट किया उसको उसके साथ खेलना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि दिस आउटकम हैज टू कम आउट ऑफ दिस सेशन, ऐसा नहीं, जस्ट कि खेलो, एंजॉय करो और जस्ट बी हैप्पी, फन करो। एंड जब ये चीज हुआ कि भाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है और खाली बस खेलना है, देन वी स्टार्टेड सीइंग द पॉजिटिव कमिंग, स्लोली ही गट अराउजल आ गया उसको, स्लोली ही गॉट इंटरेस्ट आ गया अबाउट एनवायरमेंट, स्लोली स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग व्हाट इज हैपनिंग, मतलब खुद से खा पिज्जा बनाने लग, पिज्जा बनाता है किचन में, मुझे जैसे ही मैं किचन में जाऊंगी ही विल ऑल्सो कम एंड ही विल हेल्प मी कटिंग द वेजिटेबल, अनियंस गार्लिक वो सब कट करके देगा, हेल्प करेगा। फिर इवन बर्तन वर्तन साफ करने के लिए He is not thinking कि ये सब activity है जो मुझे करना है, He is thinking कि भाई I am also part of the family, mama is doing, my sister is doing, my father is doing, I should also do it।
तो एक कंप्लीट जेन और एक कंप्लीट विड्रॉल और कंप्लीट डिसइंटरेस्ट से इतना अराउजल और इतना अलर्टनेस और इतना इंटरेस्ट जो आया है विद इन सिक्स मंथ्स, विच इज ये बहुत अप्रिशिएबल है. तो अब वो अब मस्ती करता है, मुझे धक्का भी देगा, मेरे मुंह में पानी भर के मेरे ऊपर डाल देगा कि लो अब तुम, मतलब इट्स काइंड ऑफ प्रोवोकिंग मी टू प्ले विथ हिम, प्ले करो. तो विच इज विच वॉज डिफरेंट, विच वॉज नॉट देयर अर्लियर. Yeah, what changes did you observe inside you as a parent? I mean, how those changes help you to create parent-child bonding? See, Harshali, I'll say ki hum log open the. Since we are going to that school जहाँ पे कोई schedule नहीं है, कुछ नहीं है, parent bonding हो रहा है, सब कुछ है, हम लोग हम लोग इतना सारा घूमते हैं, इतनी नई नई चीजें दिखाते हैं. But where we were getting stuck is कि हाउ टू एंटर हिस वर्ल्ड, उसके 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 दिमाग में और उसके वर्ल्ड में कैसे घुसना है, वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था. मतलब ये होता था कि हम उसके साथ खेलना चाहते हैं, वो हमारे साथ खेलना चाहता है, वो बहन के साथ खेलना चाहता है, बहन उसके साथ खेलना चाहती है, इंटरेक्ट करना चाहती, बट वी डिड नॉट नो हाउ. तो हम लोग एज अ फैमिली ओपन थे पहले से ही, हम लोग ओपन थे और हम लोग कोई ज्यादा उसको ये भी नहीं कि भाई वी स्टॉप्ड ऑल द थेरेपीज वेरी लॉन्ग बैक, बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था. लेकिन जस्ट स्टॉपिंग द थेरेपी इज नॉट गोइंग टू हेल्प, ये मैंने देखा. इट हैज बिकम कि वो एकदम इनएक्टिव एंड अनइंटरेस्टेड, ही हैज बिकम अ काइंड ऑफ कोई कोई कुछ उमंग ही नहीं है लाइफ में, उस टाइप का हो गया. तो जब हमने ये स्टार्ट किया, थेरेपी स्टार्ट किया, तो हमारा जो बॉन्डिंग हुआ वो कमाल का था. हमारा जो बॉन्डिंग, अब हमको पता है कि उसके साथ कैसे खेलना है, उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करना. ही इज नॉन वर्बल, ही इज 12 इयर्स एंड नॉन वर्बल, तो ये तो नहीं कि बोलेगा कि आके मुझे आके बोलने वाला नहीं है कि भाई मम्मा मेरे साथ ये खेलो वो खेलो. तो हमारा जो लैगिंग था कि भाई उसकी दुनिया में जाके उसको कैसे अलर्ट करना है, वो हमारा प्रॉब्लम था. Which is happening very. अभी वो मतलब कुछ चीजें हैं, दिखाता है कि ये देखो ये ऐसी चीजें हो रही हैं, या फिर कुछ है लाके दिखाएगा कि मैंने ये किया है, अप्रिशिएट करो. या फिर यू शुड सी, व्हेन आई विल से सौमिल सर को, मैं बोलूंगी कि सौमिल सर इसने ऐसे ऐसे किया, यू शुड सी द प्राउड इन हिज फेस कि भाई देखो ये मेरी बात हो रही है, काइंड ऑफ कि मैंने ऐसे किया हुआ है. दैट प्राउड फीलिंग, द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स हैज कम विद this online session, because हमने पूरा पूरा फैमिली को, पूरा घर को, और हम लोग ट्रैवल फ्रीक्स हैं, तो हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे थेरेपी कर लेते हैं. वहाँ पे हम लोग गुजरात गए तो वहाँ पे मेरा बड़ा सा फैमिली है, उन सबको मिला के हम लोगों ने थेरेपी कर ऑनलाइन सेशन कर लिया. अभी गोवा गए तो वहाँ पे मेरे सब सास ससुर को सबको मिला के कर लिया. तो हम लोग ने अपना रूटीन नहीं छोड़ा है. एंड हाउ टू लाइक, इट्स नॉट लाइक कि कुछ अलग से करना है, अपना जो लाइफ है कैसे उसको ऑब्स्टिकल में से कैसे बाहर निकाल के स्मूथली बाहर निकालना है, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग. इट्स नॉट कि हम लोग कुछ बड़ा सा स्ट्रगल नहीं है, इट्स लाइक हाउ टू रन आवर लाइफ स्मूथली, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग. तो फॉर अस दिस वाज द लाइक मेन चैलेंज एंड मेन अचीवमेंट, आई विल से. ग्रेट ग्रेट सर. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्वर्णिमा जी के पास आऊंगी कि डिफरेंस बिटवीन थेरेपिस्ट रोल एंड पेरेंट, मतलब थेरेपिस्ट का रोल कैसा, क्या अलग होता है और पेरेंट का क्या होता है, और वो एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये आप बताना चाहेंगी. आवाज आपकी. हाँ, मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी. हाँ. कि पहले हम पार्ट को कहीं थेरेपी कराने जाते थे तो वहां जो मैम थी उन्होंने उसको मटर छिलवाना सिखाया, तो ये सोचिए कि पूरे सेशन में पूरे टाइम मटर ही छिलती थी. तो और मेरे से भी बोला कि आप मटर छिलवाओ घर पे, तो मैं भी उसको लेके मटर छिलो भाई मटर छिलो. ठीक है, अच्छा उसको मटर छीलना आ गया, ऐसा नहीं है. अब उसको उसके सर पे काम, जिसे कहते ना मर दिया, तो उसे काम करना है भैया, चलो करो, करके अपना अलग हटो बिना किसी उसके.
लेकिन अभी प्रियंका मैम ने भी मेरे से ये काम बताया, कैसे बताया देखिए कितना बढ़िया। पार्ट मैगी बनाता है, तो मैम ने बताया कि ऐसे जब मैगी वो बनाने लग गया तो मैम ने बोला कि अभी हम क्या कर सकते हैं ना, इसमें कुछ कुछ चीजें डाल सकते हैं, एड ऑन कर सकते, कि दो तीन मटर ले लिया ना और छील के उसमें डाल दिया, तो कितना बढ़िया हो गया। अब वो उसने दो तीन मटर लिया और उसने पार्ट, मैंने भी छीला, मैंने कहा ले पार्ट तू भी छील ले जल्दी से डालते हैं इसमें, मटर भी डालेंगे। दो मैंने छीले, दो पार्ट ने छीले और छील के डाल दिया, अभी मटर भी छिल गई, उसका पर्पस भी सॉल्व हो गया और वो हैप्पी भी है। अभी उसको वो हो गया 1 घंटे, मतलब अब ये सोचिए कि कितना बढ़िया थेरेपिस्ट का रोल था यहाँ और पेरेंट्स ने उनके सपोर्ट के साथ कितना बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो मटर का हमने खा के भी देख लिया कि भाई मटर छील के डाला था तो ये खाया, अब वो छीलते ही जा रहा है वहां थेरेपी सेंटर में भी छील के ही आया है, घर में भी मैं उसे मतलब कुछ और कितना मतलब बहुत। तो मैं यही कहूंगी कि ये एक थेरेपिस्ट का रोल है, बेस्ट थेरेपिस्ट का रोल, और ये पेरेंट जो सीख रहा है वो अपने बच्चे को दे रहा है। तो अर्पणा जी आप कुछ ऐड? यस यस, जो मतलब पहले जैसे मैं अभी जैसे फिजिकल सेंटर पे बिफोर द वर्चुअल सेशन मैं अपने बच्चों को लेके जाती थी, तो 40 मिनट्स का सेशन होता था, वहां पे जैसे पेग बोर्ड से खिलाए या फिर जिस तरीके से वो क्या बोलते थे, आप देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ये प्लीज जस्ट नोट दिस सेंटेंस, आप देखो मैं कैसे बच्चे के साथ एक्टिविटी करा रही हूँ, एक्टिविटी करवा रही हूँ, ओके। एंड देन मैं देखती थी, अच्छा हाँ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बच्चा नहीं बोल रहा है, 4 बार व्हाट इज दिस, फिर उनका वॉइस थोड़ा लाउड होता है, व्हाट इज दिस, इस तरीके से एक्टिविटी हो रहा है या फिर पॉइंट करवा रहे हैं, देन पेगबोर्ड से कुछ एक्टिविटी कराया, एवरीथिंग। बट यहाँ पे जो रहता है वो एक थेरेपिस्ट के माइंड सेट से जो एक्टिविटीज उनको करानी होती है, एक्टिविटीज करानी होती है, वो चीज कराते हैं और पेरेंट्स को बोलते हैं आप ये सेम चीज घर में 2 से 3 बार कराओ, जस्ट फॉलो द मिलिट्री का जो रहता है ना, मिलिट्री प्रोफाइल, एक ये 3-4 एक्टिविटीज करानी है। एज अ पेरेंट मैंने क्या किया, मैंने सेम एक्टिविटी लिस्ट अमेजोन फर्स्ट कराई से बाय किया और मेरा पूरा कबर्ड भरा, और मैं भी वैसे ही पूछ के व्हाट इज दिस, और नहीं बोल रहा है तो तुम और वॉइस रेज किया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, उसका ये करके वहां पे जो होता है बॉन्ड फिनिश हो जाता है। मीन्स बच्चा मुझे देख नहीं रहा, वो बाइटिंग करेगा, हेड बैंग करता था, मुझे जबरदस्ती क्यों बैठा रहा है, फिर एट द एंड आई वाज डिससैटिस्फाइड, अरे यार ये, और मैं टेंशन में, फिर पूरा 2 बार कराया उसने बिहेवियर शो किया, फिर देन आई वॉज इन अ टेंशन, अरे ये तो कुछ नहीं करता, ये तो हेड बैंगिंग कर, अभी मैं क्या करूँ। फिर मैं जब नेक्स्ट डे गई तो फिर वही चीज रिपीट होता था। सो वो अगर, या फिर वो वहां पे पजल्स कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेम चीज करती हूँ तो मैं क्या कर रही थी, कॉपी कर रही थी। बट यहाँ पे आफ्टर द वर्चुअल सेशन मतलब क्या मुझे मुझे एज अ पेरेंट सीखने को मिला, कीप योर चाइल्ड फर्स्ट प्लेस, एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं होती, चाइल्ड के साथ क्या करना है, कैसे खेलना है, कैसे प्ले करना है, और ये कुछ एक्टिविटी बेस्ड नहीं है। अगर जैसे मैम ने बोला उसको मटर छीलना है तो आप उसको मैगी में डाला दो, मेरे बच्चे को पानी से बहुत है तो उसको जूस कैसे बना सकते जिसमें उसको भी इंटरेस्ट हो, वो मुझे देखे, हम लोग दोनों मिलकर खेले, इंजॉय करें। सो एज अ थेरेपिस्ट जो वहां पे वो लोग बताए और एज अ पेरेंट जो मैंने सीखा वो, एक बार मिनट माय चाइल्ड हैज कम, से हाय, हाय, so this is a bonding matlab now if he'll get up he will see, hi hi yeah, so and the second thing is what jaise aisa kuch nahi ki through the activity or through yahi aap sikha sakte ho kuch association, जो एज अ पेरेंट जो मैंने क्या सीखा है मैम कि घर में इतनी सारी चीजें हैं, अगर डे टू डे हम जैसे थ्रू द खेल अगर हम उसको बताते जाए, अच्छा रिमोट दादी के बेडरूम में है, तो यहाँ पे क्या है ना, बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, चीजों को एसोसिएट कर रहा है, तो हम पर्टिकुलर बैठा के नहीं करते, हम एज अ खेल खेल में, अच्छा ये पिलो तो पापा का मतलब बेडरूम का है जहाँ अनवेस होता है ये, मतलब उसको धीरे धीरे क्या हुआ मैम कि उसको खुद का घर के एनवायरमेंट के बारे में उसको नॉलेज हो गई, खेलते खेलते किचन में क्या रहता है, रूम में क्या रहता है, तो उसको ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का जो एसोसिएशन है, कौन सी चीजें कहाँ है, ये मैंने बस प्ले मेथड में हम लोगों ने जैसे करके उसने सीखा है। अभी वो खुश, अगर आप उसको आज के डेट में बकेट दोगे
तो वो जाके बाथरूम में रख देगा। तो ये कोई चीज एक्टिविटी से नहीं सिखाया है, ये बेसिकली हम लोग खेल खेल के जो उसको बोल कर जो होता उसे खुद से उसने वो डेवलप कर लिया अपना। जैसे अभी वो उठा है तो उसने देखा है कि मम्मा नहीं है तो किधर है, कि उसने आया मुझे किस किया देन ही वेंट। तो ये जो चीज है जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि अभी वो ढूंढता है किधर है मम्मा है। सो मैम यहाँ पे मैं बहुत एक चीज बोलना चाहूंगी बिकॉज और भी पेरेंट्स है, चाइल्ड कम्स फर्स्ट, डू नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज, बैठ के पजल करवाना ये कराना। जैसे सुमित सर के एक सेशन में मैंने देखा था, अगर बच्चे ने 2-3 पीस पजल बनाना सीख लिया दैट्स इट, बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। अब आप उसको घर में कैसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे चीजों को रूम में देना, पापा को टी शर्ट दे देना, दादी या फिर एप्पल है एप्पल फ्रिज में रख देना। तो जस्ट प्ले विथ हिम विथ अ डिफरेंट डिफरेंट प्ले मेथड एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प द चाइल्ड टू बी बेटर मैम। मतलब एसोसिएशन होना तो एक्टिविटीज वहां हम लोग सपोज पजल करवा रहे हैं तो हम कैसे इसको एसोसिएट करें एक्चुअल लाइफ, यस यस गाइडेंस भी मिल जाता है। यस 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 ओके वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। आपका कोई रैशनल मैसेज टिप्स या सजेशंस है पेरेंट्स के लिए सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं उनके? यस मैम प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ओके, बट अगर सही गाइडेंस नहीं मिला तो वो प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाएंगे एंड देन वो फिक्स, मतलब एक होता है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि वो 2-5 कब हो गया प्रॉब्लम, बट अगर हम राइट डायरेक्शन में काम करते विद द प्रॉपर गाइडेंस ओके, विद यू नो कि आपके बच्चे में ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजों को हम कैसे करें, आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो मैं वो धीरे धीरे डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। वर्चुअल सेशन जैसे है आज के डेट में, मतलब आपको एक गाइडेंस मिलता है, एक गोल मिलता है, गाइडेंस मिलता है और हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। हमें पता है कि 2 महीने के बाद ये 3-4 चीजें पे हम बच्चे पे काम कर रहे हैं, तो एक एक पर्टिकुलर फ्लो में काम होता है, हम काम करते हैं और फिर असेसमेंट होता है, फिर नहीं हो पाता देन विल मेक अ डिफरेंट प्लान एंड एवरीथिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज होता है मैम, जैसे आपको किसी भी टाइम के लिए बच्चे के साथ बैठ कर कुछ करना नहीं है। मतलब अगर आप कुकिंग कर रहे हो, बच्चा आपके पास आया तो जस्ट गिव द फीडबैक, मतलब जस्ट आप उससे बातें करो, अरे आ गया देखो मम्मा क्या कुकिंग कर रही है, अरे इसमें क्या डाला है, अच्छा अनवेज सॉल्ट डाल दो। तो जब आप कुछ भी कर रहे हो या फिर पापा के पास गया तो इस तरीके से एक जस्ट मेक अ प्लान कि अगर बच्चा किसी को भी रीच कर रहा है तो वॉट एवर ही और दैट पर्सन इज डूइंग जस्ट ब्रीफ हिम, अपडेट देते रहो, फीडबैक्स देते रहो, जितना इनपुट्स। मैम ये चीजें नॉर्मली मुझे नहीं पता था पहले, आफ्टर द वर्चुअल सेशन प्रियंका मैम ने बोला अब बाहर हो, मैंने आई जस्ट गिव वन एग्जांपल, मैंने प्रियंका मैम को बोला कि मैम ये अगर मैं एरोप्लेन का पिक्चर दिखाऊं और उसको बोलूं सी एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई तो ये चलेगा क्या? मैंने आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मैम ने मुझे क्या एग्जाम्पल दिया कि नो आप फ्लैश कार्ड ये सब मत करो, बिकॉज वो क्या करता है इंफॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। आप उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लेके जाओ और वहां पे कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो आप उसको बोलो लुक लुक सी एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, एरोप्लेन का आवाज या फिर जो भी है। तो आप जितना उसको नेचुरल या आप इंटरनल घर के अंदर हो या बाहर हो, जितना ज्यादा रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप दोगे बच्चा ग्रास्प करते जाता है धीरे 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 धीरे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना होल डे आपको उसके साथ खेलना है, आप अपना काम कीजिए, बच्चा आपके पास आता है या किसी को भी रीच करता है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको मतलब आप उसको बताओ कि आप क्या कर रहे हो, ही शुड अंडरस्टैंड, मतलब धीरे धीरे उसको भी अंडरस्टैंडिंग आएगी एंड एक बॉन्ड भी क्रिएट होता है मैम। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, लव योर चाइल्ड, लव योर चाइल्ड, लव योर चाइल्ड एंड प्ले 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 प्ले, दिस इज अ की रोल, कीप योर चाइल्ड फर्स्ट, that is what I have learned and I have changed myself and I as a mother I am confident। आप बिलीव नहीं करोगे सेकेंड रिव्यू में मैंने सर को बोला कि अब मैं आपसे नहीं पूछती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा क्या, बिकॉज नाउ आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, सो डेफिनेटली इट विल हैपन।
थैंक यू मैम। आई कम टू स्वर्णिमा जी, आप शेयर करना चाहेंगे पेरेंट्स के साथ कुछ मैसेज, टिप्स, सजेशन, आपको क्या लगता है? मैम मुझे तो मैंने यही सीखा है सर से, सुमित सर से, कि हमें ना अपनी एक्सपेक्टेशन के चलते कहीं ना कहीं अपने बच्चों का बचपन नहीं छीनना है। और वही है ना कि हम उसकी जो ओरिजिनल एज है कि हाँ अरे ये तो 11 साल का हो गया, अभी तक क्यों झूला झूल रहा है इतना। मैं ये सोचती थी कि मेरे भाई का भी बेटा है, वो इससे कुछ छोटा है 3 महीने, वो तो नहीं इतना झूलता, ये अभी तक मैं नहीं अभी से झूलने दे रही है क्यों। लेकिन नहीं, अभी तो वो उतना नहीं, अभी तो वो 3-3.5 साल का है, सर ने मुझे जैसा बताया तो वो तो झूलेगा ही, 3 साल का बच्चा तो झूलेगा। हमें उसको देनी, उसकी जिंदगी उसको देनी है, नहीं छीननी है। और फिर देखिए वो आगे कैसे बढ़ता चला जाएगा, मतलब हम भी देखते रह जाते कि अरे अब तो पार्ट ये करने लगा, अब तो पार्ट वो करने लगा। तो हम लोग बहुत हैप्पी हैं, उसके पापा बहुत हैप्पी हैं। तो मैं यही कहूंगी कि बच्चों को उनके हिसाब से जीने दो और हम जो है उन्हीं के हिसाब से चलते रहे तो बहुत बढ़िया, बस यही। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई विल कम विद द सेम क्वेश्चन टू सुमन जी। सुमन जी, आप क्या मैसेज, सजेशंस या कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो पेरेंट्स हैं हमारे? काफी दोनों पेरेंट ने बहुत अच्छा कवर किया है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि व्हाट इज हैपनिंग इज लाइक आई वाज बोर्न इंटेलिजेंट, एजुकेशन रियून मी, इट सेम गोज विद द किड्स। बच्चे इंटेलिजेंट थे लेकिन हम लोग थेरेपी है, ये पेरेंट एक्सपेक्टेशन है, ये है वो है, सब डाल के बच्चे को मतलब ऑटिज्म तो था ही, उसका और लाइफ बर्बाद कर दिया। तो लेट जस्ट लूजन अप लिटिल बिट, थोड़ा बच्चे को बच्चा रहने दो। और वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि सी हिज एक्चुअल एज और हिज क्रॉनिकल एज इज वेरी डिफरेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना और बच्चे को एम्बरेज करना, वॉट एवर द सिचुएशन इज। अगर आपने एम्बरेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो बाकी सब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। एंड देन फाइंडिंग द राइट मेथड टू टैकल द सिचुएशन। जैसे कि हमने एक्सेप्ट किया, एम्ब्रेस किया सब कुछ, लेकिन हमको फिर भी पता नहीं था कि करना क्या है। पर हम यहाँ पे आए, ऑनलाइन सेशन देखा, इन्होंने बताया, स्वामी सर ने बताया कि थेरेपी है वो अलग चीज है, लेकिन प्ले करना, तो उनको खुद को अपनी स्किन में टू मेक कंफर्टेबल किड इन हिज ओन स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट जस्ट फाइंड द राइट सोर्सेज कि कहाँ से हम लोग अपने बच्चे का लाइफ इजी बना सकते हैं। वी डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर देम, ऑलरेडी सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है उन लोग के लिए, और थेरेपी दे के और सब कुछ दे के कॉम्प्लिकेट नहीं करें। लेट्स मेक थिंग्स इजी फॉर देम एंड फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि हम लोग को साथ में रहना है। नोबडी इज गोइंग टू टेक हिम अवे और नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई कि चलो ये अब हमारे साथ रहेगा। नो थेरेपिस्ट, नोबडी विल डू दैट। इट्स लाइक हम लोग को एज अ फैमिली साथ में रहना है, वी जस्ट फाइंड अ वेज टू मेक आवर लाइफ इजी, दैट्स इट। हर्षाली मैम, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे देना चाहूंगी पेरेंट्स को। हेलो, श्योर श्योर, प्लीज गो अहेड। डू नॉट गूगल टू मेनी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वो मैंने गलती की है, इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी। बिकॉज एज अ पेरेंट व्हाट आई वाज डूइंग इट, कुछ भी हुआ तो मैं गूगल में जाती थी, अरे ये व्हाट आर दिस ऑल दिस थिंग्स, एंड फिर वहां से निगेटिविटी माइंड में स्टार्ट हो जाती है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज आप गूगल में ज्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च मत करो, बिकॉज इट मे क्रिएट निगेटिविटी इन योर माइंड, स्ट्रेस। और आप में अगर स्ट्रेस आएगा तो डेफिनेटली बच्चे में स्ट्रेस पास ऑन हो जाता है, बिकॉज दे कैन फील दैट स्ट्रेस। तो प्लीज कुछ भी अगर क्वेश्चन रहता है तो आप अपने थेरेपिस्ट से पूछिए, हैव अ फेथ कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस, चेक विद योर थेरेपिस्ट की क्या ये सही है या क्या नहीं, एंड दे विल गाइड यू। बिकॉज आई डू दैट, मैं पूछती हूँ अगर मैंने कहीं से भी, मुझे किसी दूसरे पेरेंट से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, बिकॉज वी टॉक, हम बात करते हैं, हम नेट पे देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, देर आर सो मेनी सोर्सेज टूडे अवेलेबल, ओके। एंड हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक हो जाए, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली इट कैन हार्म ऑल्सो इन द प्रोसेस। सो हैव फेथ कॉन्फिडेंस इन योर थेरेपिस्ट इन द प्रोसेस। कुछ भी रहता है तो आप प्लीज डिस्कस करो, आई डू दैट। जैसे मैंने पहले भी बोला, जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता होती है तो मैं प्रियंका मैम को बोलती हूँ, मैम ये ऐसे कर सकते हैं क्या, ये ऐसे कर सकते हैं क्या, एंड देन शी गाइड मी कि नहीं नहीं इसको ऐसे करो। मतलब क्या राइट वे है, क्या राइट अप्रोच है, सो योर थेरेपिस्ट विल गाइड यू।
सो डू नॉट गो थ्रू द गूगल, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड होती है मैम उससे. यस यस ट्रू. आगे हम लोग एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, आई थिंक उसका आंसर उन्हें मिल गया होगा कि हाउ प्रैक्टिकली डेवलपमेंट हैपेंस विदाउट थेरेपिस्ट टचिंग चाइल्ड. एनी अदर क्वेश्चंस पेरेंट्स हैज कैन पोस्ट इन अ चैट बॉक्स और अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम पेरेंट्स? ओके, आई गेस सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सबके क्वेश्चंस के आंसर शायद उन्हें मिल गए हैं. आई मीन बहुत अच्छा लगा कि कैसे ऑनलाइन थेरेपीज और प्रॉपर वे ऑफ थेरेपीज जब तक हम लोग जाते नहीं हैं उसे तक कैसे अप्रोच और इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है ये हम पता कर सकते हैं उसमें. तो मैं भी अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस एज अ पेरेंट एज आई एम ऑल्सो टेकिंग सम थेरेपीज ऑनलाइन थेरेपीज फ्रॉम सो तो मैं भी शेयर करना चाहूँगी कि मेरे दो बच्चे हैं. बड़ा वाला का तो हमने जो जैसे हमने कन्वेंशनल कुछ तरीके से जो थेरेपीज लिए थे उसकी वजह से हमने जो ट्रेन कर दिया था, लेकिन मुझे पता चला कि उस जो ट्रेनिंग है वो उसके हायर फंक्शंस में नहीं काम आएगी. जब वो अभी अभी 9 साल का हो गया है तो काफ़ी चीज़ें मुझे भी पता चल रही है कि ऑनलाइन जब बताते हैं कि उसको कैसे हायर फंक्शंस को डेवलप करने के लिए कैसे काम करना है, कैसे प्ले वे में करना है और जैसे जनरली लाइफ में जो चल रहा है रूटीन में जैसे आप सब ने बोला उस कैसे उसको इन्वॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है. जस्ट एक थोड़े से टाइम के लिए हम लोग जब एक्चुअली पेरेंट्स का होता है कि 1 घंटा ले गया और थेरेपी खत्म, हमारे चाइल्ड का डेवलपमेंट हो जाएगा, जनरली ये ट्रेंड चलता आ रहा है पहले से. बट ऐसा नहीं है. हमें पूरा उनके साथ जो बॉन्डिंग क्रिएट करना है और वो है जो वो पूरा कंटिन्यूस 24 आवर्स हम उनके साथ रहते तो हमको पूरा 24 आवर्स उसमें हमको देना पड़ता है. सो वो कैसे करना है हम ये कोविड के पहले हमने सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं. जो पहले सिर्फ जल्दी होती है ये थेरेपी ले जाना है वो थेरेपी ले जाना है उसमें हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों के साथ हमें टाइम भी स्पेंड करना है. तो इस कोविड टाइम में हमें ये पता चला है कि हमको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है और ऑनलाइन थेरेपी से हमें ये पता चला हमको कैसे करना है, क्वालिटी टाइम को कैसे यूज करना है, थेरेपी थेरेपी नहीं करना है क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ कैसे बनाना है. दैट्स व्हाट आई दैट इज माय पर्सनल फीलिंग्स फॉर ऑल दिस. सो मैं इसमें कहना चाहूंगी कि मैं थेरेपीज ले रही हूँ मेरे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे के लिए भी डॉक्टर सुमित शिंदे CRC से, और मैं बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ उनके उसमें. सो जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं मैं इंडिविजुअली शायद नहीं आंसर कर पाऊंगी, तो ये सेशंस के थ्रू मैं इस सेशन के थ्रू करना चाहूंगी कि आप प्लीज ऑनलाइन थेरेपीज को थोड़ा माइंड ब्रॉडन करें, ऑनलाइन थेरेपीज को के लिए जाइए, आप कंसल्टेशन लीजिए. जरूरी नहीं है कि फिजिकली हमें बच्चों को देखना मतलब थेरेपिस्ट को दिखाना पड़ेगा. जो एक्सपर्ट थेरेपीज है थेरेपिस्ट है वो आपको बता के या सिंपली 1 मिनट के लिए भी बच्चों को देख लेना तो उनको पता चल जाता है कि हाँ इसमें बच्चों को क्या क्या इश्यूज हैं. उनसे 5 मिनट में इंटरेक्ट कर लेते हैं तो भी उनको पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या इश्यूज हैं. तो दैट इज माई फीलिंग अबाउट इट. एनीवन अर्पणा स्वर्णिमा सुमन जी एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन दिस यू कैन प्लीज गो अहेड बिफोर स्टॉपिंग द सेशन. मैम मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे सौमिल सर ने मेरे से बोला था एक बार कि आपको एक्सरसाइज करानी है लेकिन उसका मजा नहीं होना चाहिए. एक्सरसाइज अगर मजा नहीं आ रहा तो एक्सरसाइज मत कराइए. तो फर्स्ट सबसे पहले है इंजॉय बच्चे का, उसका मजा तो वो हमको बना के रखना है. तो मैं यही कहना चाहूंगा. ओके थैंक यू. पीयूष जी आप पापा कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पीयूष जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? यस मैम. एक तो जो इमोशंस है ना हमारा बच्चे के साथ
वो 100% उसके साथ रखना है, हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना, मीन्स इमोशन बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। अगर वो रो रहा है या उसको दर्द हो रहा है, इफ यू आर फीलिंग समथिंग लव, तो हम भी एक्सप्रेस करें उसके साथ, वी शुड एक्सप्रेस अवर थॉट्स, उसमें उसका अच्छा डेवलपमेंट होता है, वो समझता है इस चीज को, ही इज अंडरस्टैंडिंग कि यस पापा को चोट लग गई है या पापा को कुछ चाहिए। अभी मैं पूरा ड्यूरिंग सेशन मैं इसको पूरा इसको छोड़ दिया था, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, ये अपने से ही सारा कुछ जो जो इसको चाहिए था वो झूला झूल के वो अपना सेटिस्फेक्शन अवेल करके वो वापिस कार में बैठ गया और चिप्स का पैकेट मांगा, मैंने दिया और घर आ गया। अभी मैं राइट नाउ मैं आई एम एट होम, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ वर्चुअल सेशंस। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। एंड मैम वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड, वर्चुअल सेशन ऐसा कुछ प्लान नहीं होता कि आज आपको यही चीज प्ले करना है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर चाइल्ड उसको क्या करनी है। जब आपको समझ में आता है कि अच्छा आज उसको ये करना है या कुकिंग का कुछ करना है या फिर उसको आज जंपिंग ही करना है, तो जंपिंग हम किस तरीके से करा सकते हैं जहां पे बच्चा उस चीज को एंजॉय करे। और प्लीज बिलीव मी, आप जैसे जैसे आप देखोगे कि आपका बच्चा एंजॉय कर रहा है, आपको इतनी खुशी मिलती है एज अ पेरेंट कि अरे मतलब यू फील गुड। और वो कैसे 40-45 मिनट्स हो जाता पता ही नहीं चलता है, और आप खुद चाहोगे कि अच्छा ठीक है नेक्स्ट सेशन जल्दी है। मतलब ये इतना अच्छा वो फील होता है अपने बच्चे को हंसता हुआ देखना, एंजॉय करते हुए देखना, एज अ पेरेंट आल्सो वी फील हैप्पी मैम। ग्रेट ग्रेट, ओके देन सुमन जी आप कुछ कहना चाह रही थी, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पर हैं। हाँ मैं ये बोल रही थी कि सी लाइफ हमारा जो ठीक है हमारा स्पेशल चाइल्ड है तो हमारा लाइफ सिर्फ एक घंटे के सेशन में नहीं है, हमारा लाइफ बाकी के जो 24 आवर्स हैं 23 आवर्स हैं उसमें ही है, एक घंटे में नहीं है। सो वॉट एवर वी लर्न एंड अप्लाई इज मोर इम्पोर्टेंट, द 23 आवर्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो जस्ट डोंट गो बाई कि एक घंटे का सेशन कर लिया बस, इट्स नॉट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इवन फॉर नॉर्मल किड्स ऑल्सो। I have a daughter, she's typically neurotypical. तो उसके साथ भी ऐसा नहीं कि भाई एक स्कूल का करवा दिया या कुछ एक घंटा करवा दिया बाकी पूरा दिन छोड़ दिया तो चलता चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। We have to continuously work on kids and for us, upon us also, खुद के ऊपर भी काम करना पड़ता है, बच्चों को भी करना पड़ता है। तो सिर्फ it's a round the clock job of a mother or father. तो we have to do and with और ये ऑनलाइन सेशन से हमको ये मिला है कि वी आर गेटिंग एम्पावर्ड, पेरेंट्स आर गेटिंग एम्पावर्ड टू हैंडल सिचुएशन एंड लर्न एंड मेक न्यू प्रोग्रेस फॉर द किड्स। हम लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं, हमेशा जो टेंशन में बैठे रहते कि हम नहीं कर पा रहे, हमें अदर टाइम पता नहीं चलता कि बहुत हेल्पलेस लगते हैं, मतलब थेरेपी रूम में हो क्या रहा है हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, वो मार तो नहीं रहे हैं बच्चे को, बच्चे को कुछ फिजिकल अब्यूज तो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आई यूज्ड टू गेट वेरी वरिड कि व्हाट्स गोइंग बिहाइंड द शट डोर्स जी, एंड ऐसा नहीं कि वो शट डोर्स के बाद भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, नहीं नथिंग, इट थिंग्स हैव बिकम वर्स ओनली। अभी जो इम्प्रूवमेंट सारे थेरेपिस्ट केस में अब्यूज नहीं होता, लेकिन हम एक दो ही एग्जांपल अगर हम सुन भी ले तो भी वो मन में आ जाता है और वो टेंशन में आ जाते हैं कि अरे क्या होगा। अच्छा बाकी इसमें ये भी पता नहीं चलता कि गोल्स कैसे सेट हुए हैं, करेक्ट, इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, थेरेपिस्ट अपना गोल सेट कर लेते हैं फिर पता ही नहीं चलता कि हम घर जाके उस पे क्या काम करना है। करेक्ट राइट राइट, वही मैं बोल रही हूँ कि सी दैट हमारी आवर लाइफ इज नॉट जस्ट वन आवर, आवर लाइफ इज रेस्ट ऑफ द 23 आवर्स, और उसको कैसे करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। और वो एक रूम में कोई टेंट्रम होने वाला नहीं है, रूम में कुछ लाइफ वो होने वाला नहीं, लाइफ एक्चुअली घर पे आके और बाहर जाके अपनी जो नॉर्मल रूटीन करते हैं उसमें होता है। वो हाउ में हैंडल स्ट्रक्चर होता है तो वहां शायद वो कर भी लेते हैं, लेकिन जो जनरलाइजेशन है उस एक्टिविटीज का जो जब तक हम घर में नहीं करवाते उनसे आइए तब तक हम उसको थेरेपी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, नहीं है सीरियसली कोई मतलब नहीं। पेरेंट्स को ये जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा थेरेपिस्ट के साथ कि हम जनरलाइज कैसे करें,
तब तक वो थेरेपिस्ट कुछ थेरेपीज कुछ काम नहीं है, काम की नहीं है। सालों साल जैसे हम लोग थेरेपीज लेके जाते हैं, जैसे मैंने भी पहले 5-6 साल लेके गई बच्चों को थेरेपी के लिए, अर्ली इंटरवेंशन के नाम पे लेके गई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जब एक 6 साल तक मेरे बेटा उसी लेवल पे था, सो जब तक हम इंटरेक्शन या खेलते नहीं है सिंपली बच्चों के साथ, तब तक हमें कैसे खेलना ये भी नहीं पता होता, नहीं पता है एग्जैक्टली कैसे खेलना है। हम रीच आउट करना चाहते हैं बच्चे के साथ, लेकिन क्या करें कैसे करें, वही लाइक हेल्पलेस हो जाते हैं, वहीं पे हेल्पलेस हो जाते हैं। तो वो एम्पावरमेंट अब हमारे हाथ में आ गई है ना, तो अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई अब हम लोग टैकल कर सकते हैं, अब हम लोग कर सकते हैं, बच्चों को अपने देख सकते हैं। वो एम्पावरमेंट करना बहुत बहुत बड़ी चीज है, हर चीज अपने अपने हाथ में ले लिया। अभी हमको हम लोग रोज गोल्स बना रहे हैं, इवन हम गोल्स सेट करना चाहते हैं कि नहीं सर अभी मुझे लग रहा है कि ये जरूरी है ये डालिए, तो दैट ऑल्सो इज रिस्पेक्टेड एंड दैट ऑल्सो इज वर्कड अपॉन। तो दैट मींस एक्शन, हाँ बेसिकली इंटरेक्शन विद थेरेपिस्ट, मेरा ओपिनियन भी मैटर हो रहा है, मेरा भी हमारा जो लाइफ चल रहा है वो मैटर, इट गिव्स मी पावर, इट एम्पावर्स मी। तो ये है, ये मतलब सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी चीज है ऑनलाइन, बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो स्वर्णिमा जी कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? हेलो वैशाली मैम, मैं कह रही हूं हेलो एक्चुअल थेरेपी, एक्चुअल थेरेपी यही है एक्चुअल थेरेपी, वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग है, मनी वेस्टिंग है और कुछ भी नहीं है, बस अपने आप को एक हाँ तसल्ली। एक्चुअल ये हो रहा है हमारे संग बच्चे के संग जो होना चाहिए, मतलब यही होना चाहिए। माँ बाप को डायरेक्ट ही आप वो इंगेज होने चाहिए फैमिली के साथ, सब कुछ मतलब यही है और वो है ही नहीं, मुझे तो यही लगता है यही है वर्चुअल थेरेपी ही है जो है। एकता जी कुछ कहना चाहेंगी पूछना चाहेंगी? हेलो मैम, मैंने सर का सेशन अभी अटेंड नहीं किया है, 16 इयर्स का ऑटिस्टिक चाइल्ड है मेरा, तो वो उसका बस स्पीच का थोड़ा मेरे को रिपीटेड स्पीच आती है, बाकी उसका सब अभी एनओएस का 10th का दे रहा है एग्जाम, और क्रिएटिव है काफी, बहुत अच्छे से अपना लाइफ स्किल्स करता है। मैम आप मुझे थोड़ा सा स्पीच के लिए थोड़ा गाइडेंस देंगे, रिपीटेड स्पीच को हम लोग पेरेंट्स हैं, ये तो आपको अगर प्रोफेशनल कुछ हेल्प चाहिए तो आप प्लीज, आई मीन इट्स अ बेटर वे कि आप प्रोफेशनल से पूछे, बिकॉज हम लोग हमारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ओके शूज की हम आपको किसी मतलब टेक्निकल सपोर्ट, अच्छा या यस मैं सर से फिर बात करूंगी सेशन के लिए। यस यस आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी। स्पीच का सेशन देते हैं ना सर? आप हम लोग बात कर लेंगे, मैं आपको नंबर भेज देती हूँ, हम लोग उस पे पर्सनल क्वेश्चंस पे हम लोग कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू ऑल पेरेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। मेरा तो मैम अभी जर्नी हो गया, मैं 16 साल का कर लिया बेटे को, बस अच्छा लग रहा है कि ऑनलाइन। हाँ जी, अच्छा लग रहा है सुनने में। जो मैम ने, एकता मैम ने क्वेश्चन किया है, कहीं ना कहीं पहले हम लोग भी इसी टाइप के क्वेश्चन करते थे, लेकिन जब सर से शुरू होगा ना तो ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अब हमें सोच के मतलब लगता है कि क्या वो क्या करते थे, क्या सोचते थे, अभी वो अपने आप ही सब बंद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। शुरू होने दीजिए मैम, मैंने कहा कि आप पर्टिकुलर एक किसी के पीछे मत पड़िए, जब होगी तब पता चलेगा ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा। हम किसी एक चीज में नहीं भागने, जैसे हम नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चे के संग के नहीं, अरे ये बिल्कुल उसी तरह होगा सब कुछ। जी, तो जी, मैम को सुन के हमें अपना पहले वाला पुराना याद आ रहा है, याद आ गया। यस यस, थैंक यू सो मच सुमन जी, पीयूष जी, स्वर्णिमा जी, अर्पणा जी फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग आवर योर एक्सपीरियंसेस। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके, आई एम श्योर कि पेरेंट्स को भी काफी हेल्प हुई होगी इसमें, कि कैसे मतलब सारे डाउट्स उनके क्लियर हो गए होंगे इस सेशंस के थ्रू। सो मैं थैंक यू करना चाहूंगी अटेंड करने के लिए, और थैंक यू एवरीवन। थैंक यू हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू मैम, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू ऑल, बाय बाय।